तो इस वीडियो में हम लोग अच्छे से समझेंगे कि वेबसाइट्स कैसे काम करती हैं, कैसे जब हम किसी यूआरएल पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल w3schools.com पे अगर जाते हैं, तो कैसे उसके सर्वर से सारी फाइल्स आती हैं हमारे ब्राउज़र पे और कैसे ब्राउज़र दिखाता है उन सारी फाइल्स को, ये सब हम लोग इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे। तो उसके लिए चलो अपने स्क्रीन पर चलते हैं। मैं स्क्रीन पर अपने खोलता हूँ, ये मेरा क्रोम ब्राउज़र है। यहाँ पे मैं खोलूँगा www.w3schools.com। तो मैंने URL अपने ब्राउज़र में URL टाइप किया और एंटर किया। तो एंटर प्रेस करते ही हमारा ब्राउज़र जो है वो एक HTTP रिक्वेस्ट भेजता है इसके सर्वर को। जो भी w3schools का जो सर्वर है उस पे एक HTTP रिक्वेस्ट भेजता है और फिर वो सर्वर रिस्पॉन्स करता है कुछ फाइल्स के साथ। तो सर्वर क्या होता है अभी हम लोग थोड़ी देर में समझेंगे और हम लोग अपना एक छोटा सा सर्वर भी क्रिएट करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि कैसे कोई भी सर्वर किसी भी यूआरएल पे कैसे फाइल्स भेजता है। तो अभी थोड़ी देर में हम लोग सर्वर भी क्रिएट करेंगे और उस पे मतलब अपना खुद का लोकल सिस्टम में सर्वर क्रिएट करेंगे। तो जैसे कि हम लोग इस पे गए तो इसने सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी और फिर सर्वर कुछ फाइल्स के साथ रिस्पॉन्ड करता है। तो अगर यहाँ पे राइट क्लिक करें और फिर इंस्पेक्ट पे क्लिक करें तो कुछ ऐसा खुल के आएगा। हो सकता है आपके सिस्टम में ये नीचे खुल के आए, ऐसा रहता है, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ये कर देंगे तो साइड में आ जाएगा, ये वाला कर देंगे तो इस साइड आ जाएगा, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि हमेशा इस साइड रहे। तो मैं हमेशा अपने जब भी मैं काम करता हूँ मैं हमेशा इसको इस साइड रखता हूँ। तो इसको बोलते हैं डेव टूल्स। हर एक ब्राउज़र, चाहे वो एज हो, फायरफॉक्स हो, सफारी हो, कोई भी हो, सारे ब्राउज़र्स डेव टूल्स प्रोवाइड करते हैं डेवलपमेंट के लिए। मोबाइल में आपको ये देखने को नहीं मिलता है, ये केवल डेस्कटॉप में ही रहता है। कुछ हैक करके, कुछ एक्स्ट्रा ऐप्स इंस्टॉल करके मोबाइल में भी देख सकते हैं, बट एक्चुअल जो होता है डेव टूल्स ये आपको डेस्कटॉप में ही मिलेगा। तो फर्स्ट टैब जो बाय डिफॉल्ट ओपन होता है डेव टूल्स में, वो एलिमेंट्स का टैब होता है। एलिमेंट्स टैब हम लोग अभी जब HTML सीखेंगे थोड़ी देर बाद तो उसमें अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे एलिमेंट्स टैब के अंदर ये सब क्या होते हैं, स्टाइल्स क्या होती हैं, एलिमेंट्स टैब में ये सब क्या होता है। तो अभी के लिए हम लोग नेटवर्क्स टैब पे फोकस करते हैं। तो मैंने अभी स्विच कर दिया नेटवर्क्स टैब पे और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये हो सकता है आपका ये जो फिल्टर आइकन है, ये एक फिल्टर का आइकॉन है, बाय डिफॉल्ट हो सकता है ये सेलेक्टेड ना हो, तो आप इसको सेलेक्ट कर दीजिए। और ये ऑल का फिल्टर अभी लगा है तो ऑल का लगा रहने दीजिए, अभी हम लोग चेंज करके देखेंगे कि ये और भी फिल्टर्स क्या करते हैं। तो ऑल के फिल्टर पे है और ये हमारा जो डेव टूल है, जो नेटवर्क टैब है, ये अभी हमारा नेटवर्क एक्टिविटी को लिसन कर रहा है। मतलब अभी अगर हम लोग इस पेज को रिलोड करेंगे तो ये जो हमारा ब्राउज़र है जो w3schools के सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा वो सारी रिक्वेस्ट यहाँ पे ऐसे लिख के आएगी। तो ये अभी रिकॉर्डिंग नेटवर्क एक्टिविटी रिकॉर्ड करने के लिए रेडी है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे रिलोड की बटन प्रेस करेंगे, हमारा जो ब्राउज़र है ये एक रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को और फिर सर्वर कुछ रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक, तो अभी हम लोग यहाँ पे एक नहीं कई सारी रिक्वेस्ट देखेंगे और वो कई सारी रिक्वेस्ट क्यों आती हैं वो भी देखेंगे, हम लोग क्यों आ रही हैं समझेंगे अच्छे से। और वो सब एकदम अच्छे से तब समझ में आएगी जब हम लोग अपना खुद का सर्वर क्रिएट करेंगे छोटा सा और अपने लोकल में जब उसको लोकल में रन करके देखेंगे तो अच्छे से ज़्यादा समझ में आएगी। लेकिन यहाँ भी एक बार देख लेते हैं, ये रिलोड मैंने क्लिक किया तो देखो जो पहला जो रिक्वेस्ट है, ये पहला रिक्वेस्ट है www.w3schools.com, इस वाले अगर हल्का सा हावर करेंगे तो इसके मेरे कर्जर के नीचे लिख के आ रहा है https://www.w3schools.com। तो जो पहली रिक्वेस्ट होती है ना वो यूआरएल के थ्रू भेजी जाती है सर्वर को। ठीक, और यहाँ पे एक इनिशिएटर का टैब है, इनिशिएटर मतलब किसने रिक्वेस्ट स्टार्ट करी है, तो यहाँ पे अदर लिख के आ रहा है। तो अदर का मतलब है कि समझ लो ब्राउजर ने स्टार्ट करी है। अभी ब्राउजर के अलावा और कुछ भी स्टार्ट कर सकता है, तो हाँ और भी फाइल्स स्टार्ट कर सकती हैं, कोई भी HTML फाइल, कोई भी JavaScript फाइल, कोई भी CSS फाइल एक नेटवर्क रिक्वेस्ट भेज सकती हैं। ठीक,
तो वहाँ से जो पहला जो पहली रिक्वेस्ट आई है वो है ये डॉक्यूमेंट टाइप। तो टाइप अगर किसी भी फाइल का, किसी भी रिस्पांस का टाइप अगर डॉक्यूमेंट है तो इसका मतलब वो एचटीएमएल है। ठीक, तो इसका टाइप डॉक्यूमेंट है, इसका मतलब उसके जो W3 स्कूल्स का सर्वर है उसने एक डॉक्यूमेंट टाइप का एक रिस्पांस दिया है। तो अगर इसको हम लोग क्लिक करेंगे तो ये देखो, ये हमें HTML फाइल्स दिख रही हैं, मतलब ये पूरी HTML फाइल है। तो टाइप जिस भी फाइल का डॉक्यूमेंट होता है वो एक HTML फाइल होती है। तो अभी ये पूरी HTML फाइल है जो कि एज ए रिस्पॉन्स आई है। तो हम लोग अगर किसी टेक्स्ट एडिटर में खोलते हैं तो ये HTML फाइल ऐसी दिखती है। ठीक, लेकिन जब उसको ब्राउजर अंडरस्टैंड करके रिप्रेजेंट करता है तो कुछ ऐसी दिखती है। अभी हालांकि इसमें कुछ CSS भी है, विदाउट CSS कुछ ऐसी दिख रही है ये फाइल। ठीक, तो जब ब्राउजर उस HTML फाइल को समझता है तो वो कुछ इस तरह से दिखाता है, उसमें से ये सारे चीज़ें, ये डॉक टाइप और जो भी ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है उसको सारे को हटा देता है। ठीक, तो प्रीव्यू में अगर आके देखेंगे तो ये हम लोग को इस तरह से दिख रहा है। तो अभी हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है, कहाँ रिक्वेस्ट भेज रही है, कैसे आ रही है। आप बस अभी के लिए केवल फोकस करिए, एक बार आपको समझ आ जाएगा, फिर अगर आप फ्यूचर में भूल जाते हैं तो फिर से आके वीडियो देख लीजिए, कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो ये हुआ, ये पहली जो मेरा पहला रिस्पॉन्स था ये इस URL पे गया था। और फिर जो नेक्स्ट रिस्पॉन्स है ये किसी w3schools.com/lib/fonts, तो ये कोई फॉन्ट को रिक्वेस्ट भेज रहा है। अब जैसे हमारी वेबसाइट है तो उस पर डिफरेंट डिफरेंट तरह के फॉन्ट्स यूज होते हैं, तो किसी फॉन्ट फाइल को एक रिक्वेस्ट भेज रहा है। तो नेक्स्ट सारी रिक्वेस्ट ये फॉन्ट की हैं। फिर ये स्टाइल्स की रिक्वेस्ट है, स्टाइल मतलब CSS। CSS क्या होता है, जावास्क्रिप्ट क्या होती है, थोड़ी देर में अभी हम लोग वो भी समझेंगे ये सब क्या होता है। ठीक, तो ये एक CSS फाइल को रिक्वेस्ट भेजा है इसने। तो ये रिक्वेस्ट किसने भेजा है, ये इंडेक्स ने रिक्वेस्ट भेजा है। और सारी इंडेक्स उसी HTML फाइल को कहते हैं जो इस मेन URL पे फर्स्ट टाइम आई थी। ठीक, तो फर्स्ट रिक्वेस्ट यही आया था, ये डॉक्यूमेंट। तो इस डॉक्यूमेंट ने इस सारी रिक्वेस्ट को भेजा है। पहली रिक्वेस्ट हमने ब्राउजर के थ्रू, URL के थ्रू एंटर करी, उसने भेजा, इसीलिए यहाँ पे इनिशिएटर अदर है। बाकी अदर रिक्वेस्ट को इस इंडेक्स वाली जो फाइल है इसने भेजी है, जैसे कि ये CSS की रिक्वेस्ट भेजी है। और फिर आगे आगे चल के तो ये सारी मतलब इस HTML ने भेजी है रिक्वेस्ट। ठीक, और फिर ये इमेजेस का रिक्वेस्ट किसी ने भेजा है, जैसे कि मतलब कोई भी फाइल्स रिक्वेस्ट भेज सकती हैं जब वो लोड होती हैं, जब अपने ब्राउजर में लोड होती हैं, और उनको कहीं भी वो रिक्वेस्ट भेजने के लिए हम लोग ऐसे लिंक देते हैं HTTP समथिंग। तो जैसे ही वो ब्राउजर अंडरस्टैंड करता है उस फाइल को और उस पर्टिकुलर लिंक पे पहुंचता है तो ऑटोमेटिकली लिंक भेज देता है उस फाइल के थ्रू, रिक्वेस्ट भेज देता है। ठीक, तो ये सारी बहुत सारी रिक्वेस्ट हैं। तो इसमें अगर हम लोग डॉक का रिक्वेस्ट करें तो ये W डॉक का फिल्टर अगर लगा दें तो ये डॉक का फिल्टर यानी कि डॉक्यूमेंट टाइप का फिल्टर। ठीक, इस पे हवर करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स लिख के आ रहा है। तो डॉक्यूमेंट्स यानी कि जो भी HTML फाइल्स आई हैं तो वो सारा इस डॉक्यूमेंट कैटेगरी के अंदर आता है। और फिर CSS फाइल्स कितनी हैं, तो यहाँ पे एक CSS फाइल बस आई है रिस्पॉन्स के तौर पे, मतलब एक CSS को रिक्वेस्ट भेजा था और फिर रिस्पॉन्स आया। फिर जावास्क्रिप्ट कई सारी हैं, बहुत सारी जावास्क्रिप्ट फाइल्स आई हैं। तो इसमें एक चीज़ और होता है, जैसे यहाँ पे हेडर्स में जाएंगे तो ये रिक्वेस्ट URL दिखता है, इसमें कई सारे टैब्स होते हैं, इसमें हेडर्स का टैब होता है, उसमें रिक्वेस्ट URL है। तो ये अगर ये जो रिक्वेस्ट URL है इसको हम लोग अगर कॉपी करके सीधा ऐसे इस पे डाल के अगर एंटर मारते हैं तो हम लोग को वही फाइल दिखती है सेम। ये देखो, ये अगर प्रीव्यू या रिस्पॉन्स पे जाते हैं तो ये देखो /*W3W3.css, देखो /*W3.css, फिर आगे ये पूरी फाइल सेम है। तो ये हम लोग खुद से रिक्वेस्ट ब्राउजर में भी डाल के भेज सकते हैं। और इस केस में ये रिक्वेस्ट किसने भेजी थी, index.html ने,
मतलब इंडेक्स जो भी हमारा जो डॉक्यूमेंट आया था, जो एचटीएमएल फाइल आई थी उसने भेजी थी। तो ये तो हो गया कैसे रिक्वेस्ट ब्राउज़र भेजता है। तो हमारी जो वेबसाइट्स होती हैं ना, पूरी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पर ही बेस्ड होती हैं। हमारा ब्राउज़र क्या करता है, ब्राउज़र एक रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को और सर्वर रिस्पॉन्स करता है कुछ विथ सम कॉन्टेंट, विथ सम फाइल, इट मे बी एनी फाइल, मतलब कोई भी फाइल हो सकती है। तो चलो हम लोग एक छोटा सा अपना सर्वर खुद का बनाते हैं और उसमें कुछ फाइल्स रख के उसको सर्व कराते हैं ताकि ब्राउज़र में हम लोग खोल सकें। तो उसके लिए हम लोग को तो हम लोग जो कोडिंग करेंगे वो वीएस कोड में, वीएस कोड टेक्स्ट एडिटर होता है, करने को तो किसी भी टेक्स्ट एडिटर में कर सकते हैं, नोट पैड में भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें अगर करेंगे तो हालत ख़राब हो जाएगी, कुछ समझ नहीं आएगा। इसीलिए वीएस कोड टेक्स्ट एडिटर हम लोग यूज़ करते हैं। वीएस कोड उसमें ऑटोमेटिक सजेशन देता है, ऑटोमेटिकली पूरा बॉयलर प्लेट, बॉयलर प्लेट मतलब होता है कि जो बार बार रिपीट होते हुए हैं कोड, उसको ऑटोमेटिक वो लिख देता है। ठीक, तो जैसे मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडोज़, अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो मैक के लिए, लिनक्स के लिए, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके लिए डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ वीएस कोड विंडोज़ के लिए, मेरा डाउनलोड हो रहा है, इसको देखते हैं, 8 सेकेंड में डाउनलोड हो जाएगा। वैसे मेरे में वीएस कोड ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, शायद नहीं इंस्टॉल्ड है, अरे वीएस कोड नहीं इंस्टॉल्ड, मुझे लगा था इंस्टॉल्ड है, चलो इंस्टॉल करते हैं। चलो साथ में इंस्टॉल कर लेते हैं। ये मैंने नया स्पेस क्रिएट किया है एक, तो शायद इसमें नहीं इंस्टॉल्ड है। तो आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, इस पर क्लिक करके नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट ये ऑप्शंस हैं, इन दोनों को टिक कर देना है। इन दोनों को टिक करने से होगा क्या कि किसी भी फोल्डर में आप अगर जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे तो ओपन विथ वीएस कोड का ऑप्शन आएगा, ये इसमें से ये वाला ऑप्शन अगर टिक रहेगा तो, ये दोनों, तो इन दोनों को टिक रखना है। ठीक, अभी इस ये टिक रख नहीं रखने से और रखने से क्या होगा, मैं अभी इंस्टॉल करके मैं बता देता हूँ क्या होगा। तो इंस्टॉल हो रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उम्मीद करते हैं, लैपटॉप थोड़ा सा फास्ट है मेरा। तो ये हो गया, इस पे लॉन्च पे अगर क्लिक रहेगा तो ऑटोमेटिकली खुल जाएगा फिनिश पे क्लिक करते ही। तो ये देखो वीएस कोड खुल गया है। तो एक तो ऐसे खोल सकते हैं, ठीक, यहाँ पे आएंगे, वीएस कोड सर्च करेंगे, ऐसे करके ओपन कर सकते हैं। तो ये तो ओपन हो गया, ठीक, और अभी ओपन हुआ है, और अभी किसी फोल्डर को हमें अगर इस वीएस कोड में, लेट से हमारे फोल्डर में दो तीन फाइल्स हैं उसको एडिट करनी है, तो उसको हम लोग इस पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके रीलोड कर ड्रैग एंड ड्रॉप करके लोड कर सकते हैं। ठीक, तो लेट से यहाँ पे हम लोग एक फोल्डर क्रिएट करते हैं वेब डेव, ठीक, वेब डेव, और एक नया फोल्डर इसके अंदर क्रिएट करते हैं वेब सर्वर डमी, DUMMY, वेब सर्वर। मेरी टाइपिंग स्पीड थोड़ी सी स्लो है। तो जैसे कि ये फोल्डर है तो इसको हम लोग ऐसे ड्रैग करके, कहाँ गया ये, इसको ड्रैग करके अगर ड्रॉप करेंगे यहाँ पे तो ये हमारा, ये पूछ रहा है कि इसमें मतलब ये फोल्डर जो है ये तुम्हारा ही है, इसमें ट्रस्टेड फाइल्स ही हैं, कोई ऐसी मैलिशियस या वायरस वाली फाइल्स तो नहीं है। तो हाँ, ये मैंने ही क्रिएट किया है, इसको यस में कर दूंगा। तो अभी ये फोल्डर हमारा लोड हो गया, इसको वर्क स्पेस बोलते हैं, यानी कि ये तुम्हारा एक फोल्डर है, इसमें तुम फाइल्स क्रिएट करोगे, तुम इसमें एडिट करोगे। तो एक तो इस तरह से हो गया, यहाँ पे मैं फाइल क्रिएट कर सकता हूँ जैसे कि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, कोई भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, तो मैंने ये फाइल क्रिएट करी तो ये जो फोल्डर था यहाँ पे भी फाइल क्रिएट हो जाएगी, ये देखो। अच्छा, अभी इसका एक्सटेंशन नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए आप ऐसा सेटिंग कर सकते हैं, अगर आप में दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं यहाँ पे ऑप्शन किधर होता है वो,
शो एक्सटेंशन, हाँ ये यहाँ पे अब एक्सटेंशन दिखने लगा है, तो इससे पता चलता है किस टाइप की ये फाइल है। तो एक तो इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैंने खोल लिया। दूसरा ऑप्शन जो हमें हमने इंस्टॉल करते टाइम वो दो ऑप्शंस पे टिक लगाया था ना, उससे ऑप्शन ये आता है कि ये यहाँ पे ओपन विथ वी एस कोड का ऑप्शन आ जाता है। अगर आपके में विंडोज 11 है तो दो बार क्लिक करना पड़ेगा, मतलब राइट क्लिक करेंगे फिर शो मोर ऑप्शन क्लिक करेंगे तब आएगा ये ओपन विथ वी एस कोड। अगर विंडोज 10 है तो एक ही बार क्लिक करने पे इधर ही आ जाएगा। तो मेरे पास विंडोज 11 है इसीलिए मुझे थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, इसमें ओपन विथ वी एस कोड करेंगे तो सीधा इधर खुल जाएगा। ठीक, तो अभी हम लोग इस फोल्डर में इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नहीं रखते हैं क्योंकि हम लोग का इस एच टी एम एल के साथ कोई एक्सपीरियंस है नहीं। अभी हम लोग कुछ फोटोज रख लेते हैं इसमें। मेरे इसमें कोई फोटोज हैं, चलो ये एक स्क्रीनशॉट, एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं अपने डेस्कटॉप का। एक क्योंकि मेरे पास कोई फोटो नहीं है तो ये लो एक स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया। ये मैंने किसी यूट्यूब का स्क्रीनशॉट लिया था, तो इसका नाम भी दे देता हूँ, DESKTOP डेस्कटॉप SERWNSHOT। ठीक, तो डेस्कटॉप स्क्रीनशॉट इसका नाम दे दिया, सेव हुआ कि नहीं देखते हैं। ये हाँ ये सेव हो गया यहाँ पे। तो अगर आपके पास कोई और भी फोटो है तो उसका यूज़ कर सकते हैं, स्क्रीन शॉट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। तो अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अभी हम लोग अपना एक छोटा सा सर्वर क्रिएट करेंगे जिसके थ्रू हम लोग ये सारी फाइल्स सर्व करेंगे। ठीक, हमारा ब्राउज़र इन सारी फाइल्स को ओपन कर सकेगा एक रिक्वेस्ट भेज के। ठीक, तो अभी देखते हैं, इसमें एक फाइल ये मैंने डाल दी, और भी कुछ फाइल्स डाल सकते हैं। इसमें अगर मैं जाऊं तो मेरे पास एक कोई जिफ है, ये इसको भी डाल देता हूं। ये मैं हाय बोल रहा हूं, इसको रिनेम करते हैं हाय। ठीक, हाय जिफ, ऐसे ही। और भी कुछ फाइल्स डाल सकते हैं, जैसे कि ये एक पीडीएफ है, तो इस पीडीएफ को भी यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक, ये लो, इसको इग्नोर करो, बस यहाँ पे डाल दो। ठीक, तो ये पीडीएफ डाल दिया मैंने। और भी कुछ है जो कि हमारा ब्राउज़र समझ सकता है, ये कोई वीडियो होता, हाँ वीडियो, एक वीडियो मैं डाल देता हूँ यहाँ से, छोटा सा वीडियो कोई है, 1 मिनट का है ये 2 सेकंड का है, कुछ ज़्यादा ही छोटा है, ये भी 1 मिनट का है, चलो यही डाल देते हैं। तो ये वीडियो मैंने डाल दी, इसका भी नाम कुछ दे देते हैं, SERWNRECORDING। मैं सारी फाइल्स इसीलिए डाल रहा हूँ कि हम लोग देख सकें कि कैसे सर्वर के थ्रू सर्वर जो है वो क्लाइंट को कैसे कोई भी फाइल सर्व कर सकता है। ये मैटर नहीं करता कि वो HTML, CSS या JavaScript फाइल हो, कोई भी फाइल हो सकती है, हम लोग यहाँ से सर्व कर सकते हैं। तो ये एक हो गया इमेज, एक हो गया जिफ, एक हो गया PDF, एक हो गया MP4। MP3 फाइल्स भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास MP3 फाइल नहीं है, आप लोग खुद से भी रख के ट्राई कर लीजिएगा। तो अभी मैं, हाँ तो अभी मैं सर्वर कैसे क्रिएट करूँगा, एक VS कोड में बहुत अच्छे अच्छे एक्सटेंशन हैं, वो सभी हम लोग अभी एक्सप्लोर करेंगे। अभी जब कोडिंग स्टार्ट करेंगे तो कोडिंग से रिलेटेड सारे एक्सटेंशंस इंस्टॉल करेंगे इसमें। अभी के लिए आप लाइव सर्वर एक एक्सटेंशन है, SERVER, हाँ तो ये लाइव सर्वर एक्सटेंशन है, इसका यूज़ हम लोग डेवलपमेंट में भी करेंगे और अभी के लिए ये जो छोटा सा सर्वर क्रिएट करने जा रहे हैं उसके लिए भी करेंगे। तो ये लो, ये इंस्टॉल हो गया। ठीक, अब यहाँ पे ये बटन है गो लाइव, इस पर क्लिक करेंगे तो सीधा ये खुल जाता है ऐसे। ठीक, तो अभी ये ऑटोमेटिकली इसने एक
सर्वर क्रिएट कर दिया है, एक HTTP सर्वर। मतलब ये जो हमारा VS कोड है ना, ये एक सर्वर की तरह काम कर रहा है। तो हमारे इसने कुछ कोड रन किया होगा, इसका खुद का कुछ कोड होगा जिसने सर्वर क्रिएट कर दिया है। तो उस सर्वर का जो मेन URL है वो ये फोल्डर है, ठीक। वो इस फोल्डर में, मतलब इस फोल्डर को ये सर्व कर रहा है। तो अगर हम लोग स्लैश हाय डॉट gif पे जाएंगे तो हमारी ये जिफ लोड हो गई। ये देखो, ये वाली जिफ लोड हो गई, ठीक। तो हम लोग अब किसी पे भी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, कोई भी, जितनी भी यहाँ पे फाइल्स हैं उसमें से किसी भी फाइल पे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। और अगर नेटवर्क टैब में जाएंगे तो यहाँ पे अगर जाके एंटर दबाएंगे या तो रिलोड करेंगे तो हम लोग को ये तुरंत ये दिखेगा कि ये हमारे ब्राउज़र ने, किसने, इनिशिएटर अदर है यानी कि हमारे ब्राउज़र ने, URL ने, जो भी URL का ये है, जो भी बोलते हैं, इसने सर्च बार है, सर्च बार बोलते हैं इसको, तो सर्च बार ने रिक्वेस्ट भेजी है एक एक हाय, मतलब एक इसको भेजी है। तो हमारे सर्च बार ने इस URL पे रिक्वेस्ट भेजी है, ठीक। और अभी आप देखेंगे तो ये, हाँ, इसका टाइप GIF नहीं लिख के आ रहा है, इसका टाइप डॉक्यूमेंट लिख के आ रहा है, क्योंकि ये अगर हम लोग इंस्पेक्ट करके देखेंगे तो ये केवल वही फाइल नहीं आ रही है, उसके साथ थोड़ा सा HTML आ रहा है। ये बाय डिफॉल्ट अगर कोई फाइल्स हैं ऐसी तो उनको HTML के थ्रू भेजता है, ठीक, क्योंकि इसमें HTML का इमेज टैग यूज़ हुआ है और उसके अंदर ये दिखा रहा है, ठीक। तो ये रिक्वेस्ट हमने भेजा और ये फाइल आ गई। अभी हम लोग के पास एक PDF है, प्रीमियर डॉट PDF, इसका मैं नाम कॉपी कर लेता हूँ, इग्नोर करो। अगर मैं इस पे रिक्वेस्ट भेजूंगा तो ये फाइल आ जाएगी, ये देखो पूरा PDF वाली फाइल आ गई, ठीक। तो हमने रिक्वेस्ट भेजा इस फाइल पे, ठीक, इस URL पे, और सर्वर ने रिस्पॉन्स किया, ठीक। तो यहाँ पे अगर हेडर पे जाएंगे तो ये देखो रिक्वेस्ट URL है, यानी कि हम लोगों ने एक HTTP रिक्वेस्ट भेजी है। हमेशा जो हमारी वेबसाइट होती हैं इसी प्रिंसिपल पे काम करती हैं, ब्राउज़र, जो हमारा ब्राउज़र है वो कोई भी ब्राउज़र हो ऐसे ही काम करता है, क्रोम, फायरफॉक्स, मोजिला, सफारी, जो भी हो ऐसे ही काम करते हैं। वो सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजेंगे, इस केस में हमारा सर्वर क्या है समझ लो, ये VS कोड ही हमारा सर्वर है, ठीक। इसमें कुछ कोड लिखा है जो एक सर्वर वाले कोड का काम कर रहा है। तो हमारा जो ये है, हमारा जो ये ब्राउज़र है ये इस सर्वर पे रिक्वेस्ट भेज रहा है, ठीक, और वो रिस्पॉन्स कर रहा है कुछ फाइल के साथ। तो इसने ये पूरी फाइल के साथ रिस्पॉन्स किया है। इसी तरह से किसी भी फाइल पे ब्राउज़र रिक्वेस्ट भेजता है और फिर सर्वर रिस्पॉन्स करता है। तो ऐसे ही अगर हम लोग इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाले पे अगर रिक्वेस्ट भेजें तो वो भी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे ये आ गया, ये देखो। अच्छा, favicon डॉट आईकॉन, इस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे ये क्या होता है, अभी थोड़ी देर बाद ही चर्चा करेंगे जब हम लोग HTML डिस्कस करेंगे। इस पे एरर भी आ रहा है, ये 404 नॉट फाउंड, तो इस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे ये क्यों आ रहा है। तो देखो ये हम लोग का ये जो वीडियो है ये आ गया है यहाँ पे, एज ए यहाँ पे रिक्वेस्ट गई है और फिर ये रिस्पॉन्स आया है। तो हम लोग HTTP के थ्रू कोई भी फाइल्स को शेयर कर सकते हैं, ठीक। तो ये लो, इसको क्लोज करते हैं। तो हम लोग का एज अ वेब डेवलपर काम क्या होता है, एज अ वेब डेवलपर हम लोग का काम होता है HTML, CSS और JavaScript लिखना, ठीक। अब लिखने के लिए समझ भी आना चाहिए, तो हम लोग पहले HTML सीखेंगे, उसके बाद CSS सीखेंगे, उसके बाद JavaScript सीखेंगे। ये तीन जो हैं वेब की फंडामेंटल लैंग्वेजेस हैं। इसको अगर तुमने मास्टर कर लिया तो समझ लो वेब डेवलपमेंट मास्टर कर लिया। अगर इसमें तुम पीछे छूट गए, मान लो तुमने CSS अच्छे से नहीं सीखा, JavaScript अच्छे से नहीं सीखा, तुम React पे पहुंच गए, React होता है थोड़ा वेब डेवलपमेंट को आसान बनाने के लिए। तो अगर तुमने React सीखा, React फैंसी होता है, तो सब लोग कई बार क्या करते हैं, HTML, CSS ये सब अच्छे से नहीं सीखते हैं, JavaScript अच्छे से नहीं सीखते हैं,
और पहुंच जाते हैं रिएक्ट सीखने में, तो उसमें फिर उनको बहुत दिक्कत आती है, उनको पता ही नहीं होता कि एक्चुअल जावास्क्रिप्ट क्या है और रिएक्ट क्या है। तो हम लोग को HTML सीखना है, CSS सीखना है, जावास्क्रिप्ट सीखना है, एकदम अच्छे से, एकदम बहुत ही डीप लेवल पे सीखना है कि कैसे ये तीनों कोर टेक्नोलॉजीज काम करती हैं, क्योंकि एट द एंड जो हमारा ब्राउज़र होता है वो इन्हीं तीन चीज़ों को समझता है, वो ना तो रिएक्ट समझता है, ना तो बूटस्ट्रैप समझता है, मतलब कोई भी फ्रेमवर्क नहीं समझता है, वो एट द एंड ये तीन ही लैंग्वेजेस समझता है। तो हम लोग को ये तीन लैंग्वेजेस मास्टर करनी है। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे HTML क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या उसका सिग्निफिकेंस है। तो चलो इस यहाँ पे वेब डेव, यहाँ पे एक काम करते हैं, मैं जब फोल्डर्स क्रिएट करता हूँ, इस बार तो मैं भूल गया, उसको एक नाम दे देते हैं 00_, फिर उसके बाद जो भी नाम देंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि हम लोग का जो फोल्डर है वो एक के बाद एक रहेगा, तो हम लोग को पता रहेगा पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, बाद में क्या पढ़ा, तो एक सीक्वेंस बना रहता है। ठीक, तो Ctrl+Shift+N यानी कि न्यू फोल्डर, और फिर 01, और फिर HTML इंट्रो। ये फोल्डर पे हम लोग इस फोल्डर के अंदर आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ VS कोड करेंगे। हम लोग का VS कोड खुल गया है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट फाइल हम लोग क्रिएट करेंगे उसका नाम होगा index.html। तो index.html क्रिएट करेंगे, ये एक HTML फाइल होती है। तो ये होती क्या है, ये एक तरह से कोई भी वेब पेज जो होता है वो उस पेज का जो कंटेंट होता है वो HTML फाइल फाइल में लिखा होता है। ये HTML क्या करता है, किसी भी वेबसाइट का ढांचा बताता है। ढांचा यानी कि क्या क्या कंटेंट है, कहाँ कहाँ रखा है, कैसे है सब कुछ। तो सारा जो कंटेंट होता है, जैसे कि आप टेक्स्ट देखते हैं, इमेजेस देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो सारा कुछ यहाँ पे लिखा जाता है कि क्या रहेगा, किसके बाद क्या रहेगा, ऊपर हेडिंग रहेगी, फिर पैराग्राफ रहेगा, फिर उसके नीचे कोई इमेज आएगी, फिर कोई कंटेंट आएगा, फिर कोई इमेज आएगी, फिर वीडियो आएगा, फिर ऐसे। तो ये सब कुछ हम लोग HTML के अंदर लिखते हैं। तो क्या हम लोग केवल HTML लिख के वेबसाइट बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं वेबसाइट। तो फिर CSS का क्या काम होता है? CSS का काम होता है कि वेबसाइट को सुंदर दिखाना, कि फॉन्ट किस कलर का रहेगा, टेक्स्ट मतलब फॉन्ट यानी कि टेक्स्ट किस कलर का रहेगा, रेड रहेगा, ग्रीन रहेगा, ब्लू रहेगा, और फिर इमेज मतलब जैसे इमेज है तो उसका बॉर्डर बॉर्डर ऐसे थोड़ा सा कर्व रहेगा कि कॉर्नर रहेगा, शेडो देनी है, स्टाइल देनी है, तो पूरा बैकग्राउंड का कलर क्या होगा। तो जो स्टाइलिंग से रिलेटेड होता है उसको हम लोग CSS में डिफाइन करते हैं। ठीक, उसका फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग का क्या मतलब होता है, फिर स्टाइल शीट का, वो सब हम लोग HTML के बाद CSS में अच्छे से समझेंगे। और फिर जो HTML होता है उसका तो फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, सबने पढ़ा है छोटे क्लासेस में, तो हाइपर टेक्स्ट का तो मुझे भी पता नहीं है, मतलब हाइपर हाइपर हो जाता है, मुझे भी नहीं पता। बस समझ लो कि हम लोग उससे अपना पेज का कंटेंट तैयार करते हैं कि पेज में क्या क्या होगा। ठीक, तो हाँ तो चलो हम लोग कुछ बनाते हैं। ठीक, क्या बनाएंगे, अपना अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे और अपनी एक इमेज लगाएंगे उसमें। ठीक, तो एक तरह से जैसे कोई आता है तो मेरे बारे में जान सकेगा, तो उसको बनाएंगे, एक तरह से बोल सकते हैं पोर्टफोलियो बना दें, या तो अपना अपना इंट्रोडक्शन प्रोफाइल बनाएंगे। ठीक, तो उसके लिए चलो अभी उससे पहले हम लोग फाइल पे क्लिक करेंगे और टर्न ऑन कर देंगे ऑटो सेव, ताकि हम लोग जो भी लिखें वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाए, हम लोग को बार बार Ctrl+S या सेव करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, जो भी लिखेंगे ऑटोमेटिकली सेव होता चला जाएगा। तो ये देखो, तो HTML लिखना स्टार्ट करने से पहले ये एक्सक्लेमेशन मार्क दबाओ और फिर टैब दबा दो, इतना आ गया कोड। इस कोड को बोलते हैं बॉयलर प्लेट। तो बॉयलर प्लेट का मतलब होता है रिपीटेटिव कोड, मतलब तुम चाहे जो भी index.html फाइल बनाओगे हर एक HTML फाइल में इतनी चीज आएगी। तो VS कोड वो उतना ऑप्शन देता है, मतलब ऑप्शन क्या, मतलब एक सहूलियत देता है, एक
शॉर्टकट देता है कि तुम एक्सक्लेमेशन मार्क दबाओ और फिर एंटर दबा दो या तो टैब दबा दो। मैं नॉर्मली एंटर दबाता हूँ, लेकिन टैब दबाना, टैब भी दबा सकते हैं, एंटर भी दबा सकते हैं। तो ये किया और टैब दबा दिया, फिर ये पूरा कंटेंट आ गया। ठीक, अब यहाँ पे ये डॉक टाइप क्या है, HTML ये क्या है, ये सब हेड टैग क्या है उसके अंदर, ये सब सब कुछ इग्नोर करो। कुछ भी ना तो तुम्हें याद करने की ज़रूरत है, ना तो कुछ समझने की ज़रूरत है। ठीक, मतलब समझने की ज़रूरत है, सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी इस पॉइंट पे अभी तुम्हें कोई दिमाग नहीं लगाना। ठीक, कि हम लोग अच्छा याद करते हैं ये डॉक टाइप है इसमें। जब मैंने फर्स्ट टाइम HTML सीखना शुरू किया था, किसी यूट्यूब वीडियो, मुझे याद नहीं है किसका यूट्यूब वीडियो था, कोई वीडियो उठाया और उसने मुझे नोट पैड में पढ़ाना शुरू कर दिया कि देखो ये डॉक टाइप होता है HTML, इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, फिर इसको ऐसे क्लोज करते हैं, मतलब यहाँ पे स्टार्ट होता है, इधर क्लोज होता है। मुझे यही बहुत डिफिकल्ट लगा था और फिर मैंने क्विट कर दिया। मतलब ये उसने बोला कि ये हेड टैग है, ओपनिंग है, क्लोजिंग है, इधर ऐसे ओपन होता है, ऐसे फिर स्लैश लगा के क्लोज होता है। तो ये सब सुन के मैं डर गया, मुझे लगा अरे इतना डिफिकल्ट और इतना बोरिंग, मुझे सब याद करना पड़ेगा, उसने ऐसे बोला। तो मुझे लगा कि अरे वाह, मतलब अरे वाह नहीं, अरे मतलब इतना कितना डिफिकल्ट है ये। लेकिन आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, आपको बस आना है, एक्सक्लेमेशन मार्क दबाना है, टैब दबाना है, सारा कोड आ जाएगा। इसको जब हम लोग थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएंगे HTML के साथ, तो फिर हम लोग इसका मतलब समझ लेंगे। ठीक, मतलब 2-3 वीडियो के बाद मैं बता दूंगा इसका क्या मतलब है, इसको चेंज करके क्या होता है, फिर ये क्या होता है। एक्चुअल में मुझे मुझे खुद नहीं पता है, अभी 1-2 साल हो गया मुझे काम करते हुए, खुद नहीं पता है क्यों लिखते हैं डॉक टाइप HTML, क्या और भी हो सकता है, मैं मुझे खुद समझना पड़ेगा, तो फिर तभी मैं बता पाऊंगा। अभी मैं इसका तो मतलब पता है मुझे, और इसका भी पता है, इसका नहीं पता है डॉक टाइप HTML क्या होता है, HTML के अलावा भी कुछ हो सकता है, ये सब आगे आके आगे वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि समझना चाहिए। इंटरव्यूज में लोग पूछते हैं कि ये डॉक टाइप HTML क्यों लिखते हैं, क्यों लिखते हैं भाई, मुझे क्या पता, मैं तो काम करता है, ऐसे लिखो। ठीक, तो देखो ये हो गया। ठीक, यहाँ पे हम लोग को कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा बॉडी टैग के अंदर आ जाओ। इन सबको टैग्स बोलते हैं, जो भी ये एंगुलर ब्रैकेट के अंदर है, टैग्स बोलते हैं, बस इतना याद रखो। और चाहो तो इतना भी याद रख सकते हो कि ऐसे जिसमें स्लैश लगा होता है उसको क्लोजिंग टैग बोलते हैं, और जिधर स्लैश नहीं लगा होता है उसको ओपनिंग टैग बोलते हैं। इतना चाहो तो याद रख लो, नहीं तो वो भी बात, वो भी धीरे धीरे अपने आप ही याद हो जाएगा, कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम लोग इसमें लिखते हैं H1। ठीक, तो H1 क्या होता है, H1 पहले ऐसे लिख दो और दबाओ एंटर, तो ऑटोमेटिक ये ओपनिंग और क्लोजिंग टैग बन के आ जाएगा। ओपनिंग टैग क्या होता है, जहाँ पे स्लैश नहीं होता, क्लोजिंग जहाँ पे स्लैश होता है। ठीक, ये आ गया। अब इस पे चलो लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक, इतना लिख दिया। अब हम लोगों ने जो भी अपनी वेबसाइट क्रिएट की है, बहुत मस्त वेबसाइट है, इसको हम लोग अपने ब्राउजर में कैसे देखेंगे, तो एक तो बटन है यहाँ पे नीचे गो लाइव, इस पे क्लिक कर सकते हैं। और अभी मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ Ctrl+ से, ताकि आप लोग को थोड़ा सा क्लियर दिखे, इसमें इतना शायद ठीक होगा, थोड़ा सा और जूम इन कर लेते हैं। ठीक, इतना तो हाँ इतना ठीक होगा। तो इसको या तो यहाँ पे गो लाइव करके जा सकते हैं, या तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे ओपन विथ लाइव सर्वर। ठीक, तो ओपन विथ मैंने लाइव सर्वर कर दिया है। तो इसने क्या किया है, जो अभी हम लोगों ने लाइव सर्वर एक्सटेंशन इंस्टॉल किया था, यहाँ पे इसने एक छोटा सा सर्वर क्रिएट कर दिया है इस फोल्डर के अराउंड, मतलब इस फोल्डर की ही फाइल्स सर्व हो रही हैं, इसके बाहर की फाइल्स नहीं सर्व होगी। ठीक, तो इसने एक सर्वर क्रिएट कर दिया है और फिर वहाँ पे ये फाइल्स हमारी सारी सर्व हो रही हैं। तो इसमें अगर हम लोग कोई दूसरी भी फाइल्स, जैसे कि एक टेक्स्ट फाइल चलो क्रिएट कर लेते हैं, जैसे इंट्रो intro.txt, TXT फाइल तो देखी होगी, नॉर्मली नॉर्मली नोट पैड की फाइल्स होती हैं ये सारी। तो intro.txt फाइल ये है, इसमें मान लो हाय माई नेम इज अनुराग सिंह। ठीक, तो ये मैंने टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर दी। तो उसने सर्वर क्रिएट किया है, अभी अभी बाय डिफॉल्ट जब इसमें मैंने ओपन विथ लाइव सर्वर किया, तो ये उस जिस भी इसको बोलते हैं पोर्ट,
अभी आपको पोर्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत नहीं है, आगे हम लोग अगर ज़रूरत पड़ेगी तो समझ लेंगे कि पोर्ट क्या होता है। ठीक, तो मतलब ये समझ लो बेसिक यूआरएल है बेस, फिर उसके बाद तुम्हें किस फाइल के अंदर जाना है वहाँ नाम लिख दो। तो अभी ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, यहाँ पे हम लोग इंट्रो डॉट टी एक्स टी करेंगे तो हमारी वो टेक्स्ट फाइल आ गई, हेलो माई नेम इज़ अनुराग सिंह। तो ये जो लाइव सर्वर है इसका फ़ायदा ये है कि अगर मैं यहाँ से मैं सिंह हटाता हूँ तो ये ऑटोमेटिक रिलोड कर देता है। ये लो, इसको रिलोड ही नहीं किया इसने, तो शायद ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल को ही रिलोड करता है, इस फाइल को नहीं रिलोड करेगा। अगर मैं यहाँ से आके डबल डबल ये लगा देता हूँ तो मतलब ट्रिपल हो गया, तो ये ऑटोमेटिक रिलोड हो रहा है, ये वाली फाइल ऑटोमेटिक नहीं रिलोड हो रही है। तो बेसिकली इसने क्या किया है, अगर यहाँ पे आए, अगर हाँ फिर से सिंग मैंने कर दिया और रिलोड किया, तो अगर जो हमारा जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल यानी कि एच टी एम एल फाइल को ऑटोमेटिकली ये रिलोड करता है और किसी फाइल को रिलोड नहीं करता है, तो कोई बात नहीं, हम लोग को एच टी एम एल के साथ ही काम करना है। तो इसने क्या किया, एक सर्वर क्रिएट कर दिया है जिस पे हम लोग ब्राउजर के थ्रू रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। ठीक, तो ये देखो एंटर मैंने क्लिक किया, तो ये रिक्वेस्ट गई, हेडर्स पे आएंगे, रिक्वेस्ट किस यूआरएल पे गई है, http://127.0.550 जो भी, इस स्लैश इंट्रो पे एक रिक्वेस्ट गई है और फिर वहाँ से रिस्पॉन्स आया है इस फाइल का, हाय माई नेम इज़ अनुराग सिंह। ठीक, और फिर कहाँ गया, इसको अगर क्लोज करेंगे तो यहाँ पे ये टाइप डॉक्यूमेंट है, तो ये भी एक डॉक्यूमेंट टाइप की फाइल है क्योंकि टेक्स्ट जो होता है वो भी एक डॉक्यूमेंट फाइल होती है। शायद इसने हाँ, ये टाइप डॉक्यूमेंट इसीलिए है क्योंकि इसने एच टी एम एल भेजा है ओवरऑल। ठीक, और फिर उस एच टी एम एल के अंदर ये है। तो ये देखो, ये रिक्वेस्ट यू आर एल है, यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजा है और फिर उसने रिस्पॉन्स भेजा है। तो ये जो हमारी वेबसाइट्स होती हैं हमेशा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पे काम करती हैं, ब्राउज़र हमारा सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर हमारा ब्राउज़र को रिस्पॉन्स देता है। ठीक, तो अभी हम लोग रिस्पॉन्स तो देख सकते हैं, ठीक, रिस्पॉन्स देख सकते हैं कि रिस्पॉन्स क्या आया है। ठीक, और ये हम लोग रिक्वेस्ट यूआरएल देख सकते हैं कि रिक्वेस्ट किस यूआरएल पर रिक्वेस्ट भेजी गई है। ठीक, लेकिन क्योंकि ये हम लोग ने खुद सर्वर नहीं क्रिएट किया, उस एक्सटेंशन ने क्रिएट किया है, तो अभी हम लोग रिक्वेस्ट नहीं देख सकते हैं। तो जो सर्वर क्रिएट करने का काम होता है वो होता है बैकएंड डेवलपर का, तो बैकएंड डेवलपर सर्वर क्रिएट करता है। तो अगर हम लोग फ्यूचर में कभी बैकएंड डेवलपमेंट सीखते हैं तो हम लोग सर्वर क्रिएट करेंगे। ठीक, तो उसमें हम लोग देख सकते हैं, मतलब जैसे रिक्वेस्ट आएगी ना, हम लोग को दिखेगी कि ये देखो रिक्वेस्ट आ रही है और रिक्वेस्ट किस यूआरएल पे आ रही है, हम लोग देख सकेंगे। तो क्योंकि अभी ये हम लोग का सर्वर नहीं है, इसने एक्सटेंशन ने क्रिएट किया है, तो हम लोग उस आती हुई रिक्वेस्ट को नहीं देख सकते हैं। ठीक, अभी हम लोग केवल यहाँ से जाते हुए रिस्पॉन्स को देख सकते हैं, ये देखो ये रिस्पॉन्स आ रहा है, उसको रिस्पॉन्स को हम लोग देख रहे हैं, लेकिन रिक्वेस्ट जो आ रही है उसको नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि हम लोग का ये कोड इसमें नहीं है। इसमें ये लाइव सर्वर का कोड है, ये बिहाइंड द सीन्स कहीं एग्जीक्यूट हो रहा है, कहीं टर्मिनल में ये रन कर रहा है, तो मतलब हम लोग रिक्वेस्ट नहीं देख पा रहे हैं। फ्यूचर में हम लोग जब बैकएंड डेवलपमेंट सीखेंगे तो वहाँ पे हम लोग खुद का कोड लिख के सर्वर बनाएंगे एक, ठीक, और फिर वहाँ पे जब कोई भी ब्राउजर के थ्रू रिक्वेस्ट भेजेगा, जो हम लोग का वो सर्वर रहेगा, वहाँ पे जब कोई ब्राउजर के थ्रू ऐसे रिक्वेस्ट भेजेगा तो हम लोग को रिक्वेस्ट आती हुई दिखेगी, रिक्वेस्ट का यूआरएल आते हुए दिखेगा, और उसमें अगर और भी एक्स्ट्रा डेटा होता है अगर भेज सकते हैं हम लोग तो वो डेटा भी दिखेगा, तो वो सारा कुछ हम लोग को बैकएंड में दिखता है। ठीक, तो जैसे कि हम लोग ऐसे W3 स्कूल्स पे एक बार फिर से जाएं, तो हम लोग यहाँ पे रिस्पॉन्स देख सकते हैं क्योंकि सर्वर ने रिस्पॉन्स किया है। ठीक, सर्वर कहीं और बैठा है, कहीं और दुनिया के किसी कोने में रखा होगा, एक कंप्यूटर होगा जहाँ पे कुछ बैकएंड का कोड रन हो रहा होगा। ठीक, वो वहाँ से फाइल सर्व कर रहा है, तो जब हम लोग यहाँ से रिक्वेस्ट भेजते हैं तो रिक्वेस्ट अगर वहाँ पे कोई बैठा होगा मेरे तुम्हारे जैसा, तो उसको रिक्वेस्ट दिखेगी कि ये देखो हाँ रिक्वेस्ट आई, और फिर वहाँ पे वो जो डिसाइड करेगा, उसको वो जो सर्वर डिसाइड करेगा वो रिस्पॉन्स के थ्रू जाएगा। ठीक, तो हम लोग नहीं देख सकते क्योंकि हम लोग क्लाइंट हैं, हम लोग ब्राउजर पे हैं अभी। ठीक,
हम लोग ब्राउज़र के साइड में, और ब्राउज़र को बोलते हैं क्लाइंट। जो सर्वर होता है वो कहीं अलग होता है, ठीक। तो हम लोग रिस्पांस देख सकते हैं हमेशा, और रिक्वेस्ट का यूआरएल देख सकते हैं कि किस यूआरएल पे रिक्वेस्ट गया है, ठीक। और रिस्पांस देख सकते हैं, ये देखो, ये रिक्वेस्ट क्या आई है वो नहीं देख सकते हैं, हाँ, क्योंकि हम लोग ब्राउज़र के साइड पे हैं, हम लोग क्लाइंट के साइड पे हैं, ठीक। तो इसको बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं HTML पे, हम लोग थोड़ा सा अपने टॉपिक पे आते हैं। रिक्वेस्ट रिस्पांस हो गया, हमारी वेबसाइट ऐसे ही काम करती है, रिक्वेस्ट और रिस्पांस दो ही चीज़ होता है। HTML सॉरी, HTTP रिक्वेस्ट भेजा जाता है और HTTP रिस्पांस आता है सर्वर की तरफ से। तो अभी HTML थोड़ा सा देख लेते हैं, HTML देख लेते हैं क्या होता है। तो HTML में सब कुछ समझ लो टैग्स होते हैं एक तरह से। तो जैसे कि अभी मैंने ये H1 टैग यूज़ किया है, तो H1 टैग अगर मेनली हेडिंग के लिए यूज़ होता है, H1 टैग होता है, फिर H2 टैग होता है। देखो मैंने H लिखा, फिर ये सारे टैग्स का ऑप्शन आ रहा है, H2, H3, H4, H5। तो एक बार लिख लेते हैं क्या जाता है। इसमें ये चीज़ डाल देते हैं, तो अगर हम लोग यहाँ पे ब्राउज़र में आके देखेंगे तो H2 का जो साइज़ है थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक, लेकिन हेडिंग के लिए ही यूज़ करते हैं, ठीक। तुम्हें कोई भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी तुम्हें काम लगे तुम हमेशा गूगल करना सीखो। जैसे कि ये सारे हेडिंग के लिए यूज़ होते हैं टैग्स, तो तुम सर्च कर लो हेडिंग टैग्स इन HTML, ठीक। तो ये W3 स्कूल्स सबसे अच्छी वेबसाइट है, अगर तुम्हें कुछ भी HTML या CSS से रिलेटेड चाहिए, W3 स्कूल्स, या फिर MDN की साइट नहीं है इधर, कोई बात नहीं, ये देखो इधर आ गई है, ठीक, मोजिला डेवलपर नेटवर्क, ये भी है, लेकिन नॉर्मली HTML CSS के लिए W3 स्कूल सबसे अच्छा है। सबसे छोटी, कंसाइज, शॉर्ट और टू दी पॉइंट इन्फॉर्मेशन रहती है। इसमें खोलेंगे, ये देखो पूरा लाइन से आ गया, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, यहाँ पे ट्राई योर सेल्फ का भी ऑप्शन है। ये H1 यूज़ किया, इतना बड़ा टेक्स्ट आ गया, H2 यूज़ किया, इतना बड़ा टेक्स्ट आ गया, ऐसे H5, H6। तो चलो इसी को कॉपी कर लेते हैं और अपने इसमें रख लेते हैं, ठीक, ये लो। और फिर अभी मैंने क्या किया है, ये अभी देखो, ये मैंने कॉपी करके पेस्ट किया तो थोड़ा सा इसका इंडेंटेशन ख़राब हो गया। इंडेंटेशन क्या होता है, अलाइनमेंट, जैसे कि इसको थोड़ा सा इधर होना चाहिए, इधर, ठीक। ये मैंने अभी क्या कैसे किया, टैब प्रेस किया, अगर शिफ्ट टैब प्रेस करेंगे तो थोड़ा सा इधर खिसक जाएगा, टैब प्रेस करेंगे अगर सब कुछ सेलेक्ट करके तो इधर आ जाएगा, ठीक। अगर चाहते हैं तो राइट क्लिक करके आप फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो सारा कुछ ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो जाएगा, तो ऐसे भी कर सकते हैं। उसका शॉर्टकट होता है यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, अल्ट शिफ्ट एफ, ठीक, शॉर्टकट से भी फॉर्मेट कर सकते हैं। मैं हमेशा शॉर्टकट यूज़ करता हूँ, मुझे शॉर्टकट्स याद हो गए हैं, याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है इस पूरे कोर्स में, कहीं भी कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक। जब भी आप कोई भी चीज़ भूल जाएं तुरंत गूगल करें, ठीक। जैसे अभी ये फॉर्मेट का भूल गए हैं, तो मतलब फॉर्मेट का शॉर्टकट, तो राइट क्लिक करो, सीधा ये शॉर्टकट आ जा रहा है, शिफ्ट, याद करने की क्या ज़रूरत है, ठीक। तो कभी भी कुछ भी याद नहीं करना। तो हेडिंग के लिए हम लोग इतने सारे टैग्स यूज़ करते हैं, यह है H1, यह है H2, H3। तो डिपेंडिंग ऑन साइज, तुम्हें कितनी बड़ी साइज चाहिए वो ऐसे ही, मतलब तुम कोई भी चूज़ कर सकते हो इसमें से। तो अभी हम लोगों ने ये किया और हम लोग का ये सर्वर है, तो ये देखो आ गया H1, H2, H3, ठीक। तो चलो अभी के लिए हम लोग H1 ही यूज़ करते हैं। अच्छा, इन सारे टैग्स को एलिमेंट्स भी बोलते हैं नॉर्मली, मतलब HTML एलिमेंट बोल दो या HTML टैग बोल दो, ठीक। तो वैसे ये जो टैग होता है बस इतना सा पार्ट होता है, ठीक, टैग इतना सा पार्ट होता है, लेकिन ये जो चीज़ क्रिएट करता है वो एक एलिमेंट क्रिएट करता है, H1 एलिमेंट। अब फिर उसमें डिफरेंस क्या है टैग और उसमें, अभी थोड़ी देर में समझते हैं, ठीक। तो अभी के लिए हम लोग इसको केवल H1 ही रखते हैं, और फिर उसके नीचे एक P टैग रख देते हैं, एंटर दबाते हैं, और फिर
हाय एवरीवन, ERY वन, माय नेम इज अनुराग सिंह। ठीक, मैंने लिख दिया। अभी पी टैग क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है पैराग्राफ टैग। पी एलिमेंट रिप्रेजेंट्स पैराग्राफ। ठीक, इस पर थोड़ा सा हवर करेंगे तो उसका डेफिनेशन आ जाता है क्या होता है। ठीक, इस पर H1 पे हवर करेंगे तो ये आ जाता है H1 एलिमेंट रिप्रेजेंट्स सेक्शन हेडिंग, किसी भी सेक्शन की हेडिंग। अब सेक्शन तुम भूल जाओ, ठीक, बस समझ लो एक हेडिंग को रिप्रेजेंट करता है। कहीं भी तुम्हें हेडिंग डालनी है H1 यूज़ करो। ठीक, अगर फिर से, अच्छा एक और टिप है, क्विक टिप। देखो विंडोज़ V अगर दबाएंगे हम लोग, तो अगर आप में ये चीज़ ऑन है तो अच्छी बात है। ये होता है आपका क्लिपबोर्ड हिस्ट्री। क्लिपबोर्ड हिस्ट्री मतलब आपने जो भी प्रीवियस कॉपी किया, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने H1, H2, H3, H4, H5, H6 ये सब कॉपी किया था। लेकिन अगर मैं और उसके पहले भी मैंने कुछ कॉपी किया होगा, वो सारा अभी जा चुका है। ठीक, लेकिन अगर मैं टर्न ऑन हिस्ट्री कर देता हूँ तो फिर उसके बाद जो भी मैं कॉपी करूँगा, जैसे कि अभी मैं ये कॉन्टेंट कॉपी कर लेता हूँ। ठीक, तो विंडोज़ V अगर मैं दबाता हूँ, विंडोज़ प्लस V, जो विंडोज़ का आइकन होता है प्लस वी, वी फॉर वैन वाला, ठीक, तो ये ऑप्शन आ जाएगा। तो फिर अब मैं इसमें से चूज़ कर सकता हूँ मुझे क्या पेस्ट करना है। तो जैसे कि मैं विंडोज़ V दबाया और फिर मैं इसको पेस्ट कर दिया। ठीक, और इसको थोड़ा सा अलाइन कर दिया, टैप प्रेस करके सेलेक्ट किया, टैप प्रेस किया, इसको थोड़ा सा इधर आ गया। तो इस पर अगर हवर करेंगे तो H2 एलिमेंट रिप्रेजेंट अ सेक्शन हेडिंग। ठीक, H3 एलिमेंट रिप्रेजेंट्स अ सेक्शन हेडिंग। सब कुछ एक सेक्शन हेडिंग को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, और ये साइज में छोटा बड़ा हो सकता है। ठीक, मतलब हो सकता है क्या होता है, बस इनमें साइज का डिफरेंस है, बाकी सब लोग हेडिंग के लिए ही यूज होते हैं। अगर आपको पूरी डेफिनेशन पढ़नी है तो इस पर क्लिक कर सकते हैं, या आपको MDN की वेबसाइट पे ले जाएगा। ओपन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे MDN की वेबसाइट है, ये मोजिला डेवलपर नेटवर्क की वेबसाइट है। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वेब के लिए, मतलब यही सोर्स ऑफ ट्रुथ है, यानी कि यहीं से सब कुछ, मतलब पूरा डॉक्यूमेंटेशन या डेफिनेशन जो भी है यहीं पे डिफाइंड होता है। तो ये सबसे अच्छी वेबसाइट है। इसमें थोड़ा सा डिटेल्ड, थोड़ा सा डिटेल्ड में डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा डिटेल में दिया होता है। और जो W3 स्कूल है इस पर थोड़ा सा शॉर्ट और कंसाइज होता है। तो HTML और CSS के लिए मुझे लगता है अगर आप लोग स्टार्टिंग फेज में, आप लोग को जल्दी से समझना है क्या है, तो ये W3 स्कूल अच्छा है। ठीक, लेकिन आपको डिटेल में समझना है, इन डेप्थ समझना है, तो उसके लिए मोजिला डेवलपर नेटवर्क अच्छा है। ठीक, थोड़े से जब आप लोग एक्सपीरियंस हो जाएंगे तब आप लोग इसको फॉलो करिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो आप थोड़ा सा ओवरवेलम हो सकते हैं, यानी कि बोर हो सकते हैं। तो फिर यहाँ पे देखो, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, कैसे मल्टीपल H1 ऑन पेज। तो मतलब बहुत लंबा सा डॉक्यूमेंटेशन है इस पर। ठीक, क्या क्या कैसे कैसे यूज़ करते हैं। और W3 स्कूल्स पे ये लो, ख़त्म हो गया, इतना ही है, ज़्यादा है नहीं। तो W3 स्कूल्स थोड़ा सा इजी होता है, ठीक, समझने में। देखो एग्जांपल तुमने देख लिया, एग्जांपल देख के समझ आ गया, तुम आगे बढ़ गए। ठीक, तो इसको हटाते हैं हम लोग, अपने पी टैग पे आते हैं, कंट्रोल जेड। अच्छा, यहाँ पे लिख तो हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड, अच्छा हेलो वर्ल्ड, हाय एवरीवन, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। हेलो वर्ल्ड, माय नेम इज अनुराग सिंह। ठीक, और मैं क्या करता हूँ, अच्छा अब एक पैराग्राफ हो गया। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा पैराग्राफ क्रिएट करना है तो नेक्स्ट, मतलब कई सारे पैराग्राफ एक पेज पे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई एम अ वेब डेवलपर, DEVELOPER। अच्छा, वेब डेवलपर में मैं मेनली फ्रंट एंड डेवलप करता हूँ। वैसे तो मुझे बैक एंड भी आता है, फ्रंट एंड भी आता है, लेकिन एज अ जॉब, इन माई जॉब मैं केवल फ्रंट एंड ही करता हूँ। आई एम अ फ्रंट एंड वेब डेवलपर, तो इसमें लिख देते हैं।
FROnTENT, आई एम अ फ्रंट एंड वेब डेवलपर। तो इतना मैंने लिख दिया, और इसको थोड़ा और सुंदर बनाने के लिए मैं अपनी एक फ़ोटो लगा देता हूँ यहाँ पे। तो ये एक पी जो पी टैग होता है, एक पैराग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। तुम लंबा सा पैराग्राफ लिख सकते हो कुछ भी। अब मान लो तुम्हें लंबा सा लिखना है तो लॉरम इप्सम होता है, LORM, लॉरम लिखो। मान लो तुम्हें 100 100 टेक्स्ट चाहिए, मतलब 100 वर्ड चाहिए, तो 100 लिखो और एंटर दबा दो। तो ये क्या करेगा, एक ये लो, मैंने क्या किया, शिफ्ट अल्ट एफ दबा के फॉर्मेट कर दिया डॉक्यूमेंट, ताकि जो लंबी लाइन है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए, तो बहुत ज़्यादा लंबा सा स्क्रॉल ना हो। तो ये लॉरम इप्सम होता है। लॉरम इप्सम मतलब इसका कुछ मीनिंग नहीं होता है, बस हम लोग थोड़ा सा कंटेंट पेज फिल करने के लिए थोड़ा सा लॉरम इप्सम दे देते हैं। ठीक, तो ये शॉर्टकट होता है लॉरम, फिर एंटर दबा दो जितना भी तुम्हें चाहिए जितना। तो मैंने 100 दबाया तो 100 टेक्स्ट आ गए। तो ये एक पी टैग हो गया। अब मुझे लेट्स से मुझे एक इमेज लगानी है इसमें। तो क्या करेंगे, पहले तो एक इमेज कहीं से ढूंढते हैं, इमेज का अरेंजमेंट करते हैं। तो एक इमेज थी मेरे पास, एक इमेज थी, कहाँ गई, इमेज नहीं वो जिफ थी जो इसमें यूज़ किया था, वही वाला यूज़ कर लेते हैं। तो ये लो, बढ़िया, ये इसको यहाँ पे आके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, हाय हाय ऐसे कर रहे हैं। तो इसको एक इमेज लगाने के लिए हम लोग पी टैग में इमेज नहीं, मतलब इमेज लगाने के लिए हम लोग इमेज टैग का यूज़ करते हैं। उसका नाम होता है IMG, लिखो, टैब दबाओ, फिर ऑटोमेटिक ये सोर्स आ जाता है। ठीक, तुम्हें टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, खुद से सोर्स आ जाएगा, और सोर्स में तुम्हें इसका पाथ देना होता है। तो अभी फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसी फोल्डर में हैं, करंट इसी फोल्डर में है, तो डॉट स्लैश दे दो, ऑटोमेटिक ये फिर सजेशन देगा कि कौन सा तुम्हें फाइल यहाँ पे इंक्लूड करना है। तो हाई डॉट जी आई एफ मुझे इंक्लूड करना है। और फिर अल्ट टेक्स्ट क्या होता है, अल्ट टेक्स्ट होता है कि मान लो किसी भी कारणवश ये फाइल नहीं डाउनलोड हुई, मान लो नेट स्लो है या कुछ भी है, तो ये एक मतलब समझ आता है किस चीज़ का इमेज था। तो जैसे हाय, मैंने हाय लिख दिया, तो ये मतलब ब्राउज़र को पता चलेगा कि हाय का कुछ इमेज है, उसमें हाय बोला जा रहा है। ठीक, तो अल्ट टेक्स्ट। और फिर कई लोग ऐसे होते हैं जो इंटरनेट यूज़ करते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता है, तो वो लोग स्क्रीन रीडर्स का यूज़ करते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि पेज पूरा उनके लिए पढ़ते हैं, जैसे हेलो वर्ल्ड पूरा पढ़ देंगे, माई नेम इज़ अनुराग सिंह पढ़ देंगे, आई एम अ फ्रंट एंड वेब डेवलपर, तो वो लोग केवल सुन के समझते हैं। तो उस केस में जब इमेज आएगी ना, तो वो लोग ऐसे, तो जो इस जो सॉफ्टवेयर होगा बोलेगा कि कोई इमेज है जिसमें हाई लिखा है, यानी कि हाई की इमेज है। ठीक, तो ये अल्ट टेक्स्ट, इस पे हवर करोगे तो इसकी डेफिनेशन तुम्हें मिल जाएगी। तुम्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी तुम भूल जाओ कि अल्ट टेक्स्ट क्या करता है, आओ एक इमेज टैग लिखो, उस पर डाल दो, ये हवर कर दो। दिस एट्रीब्यूट डिफाइंस एन अल्टरनेटिव टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ इमेज। आइडियली तुम्हें थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहिए कि अनुराग, जैसे अनुराग वेविंग हैंड, WAVING हैंड, वेविंग यानी कि हाथ से हिला रहे हैं। ठीक, स्पेलिंग करेक्ट है, करेक्ट तो लग रही है थोड़ा सा, हाँ करेक्ट करेक्ट है। तो देखो, अनुराग वेविंग हैंड, तो थोड़ा सा ये होता है कि तुम्हें डिस्क्रिप्शन देना होता है कि ये इमेज के बारे में, इमेज किसके बारे में है। अगर डिस्क्रिप्शन देने में तुम्हें आलस आ रही है तो बस तुम थोड़ा सा लिख दो, कुछ भी लिख दो, लिखना थोड़ा सा अच्छा हैबिट माना जाता है, और वो थोड़ा सा SEO फ्रेंडली होता है। अब SEO क्या होता है आगे देखेंगे, अभी का काम नहीं है। ठीक, बेसिकली अभी तुम ये जान लो कि गूगल को ज़्यादा पसंद आता है सर्च रिजल्ट में, अगर अल्ट टैग है तो थोड़ा सा गूगल को अच्छा लगता है, तुम्हारी वेबसाइट को ऊपर थोड़ा रैंक कराएगा। तो और फिर तुम थोड़ा सा लंबा सा पढ़ सकते हो, क्या है ये, ब्राउजर्स डोंट ऑलवेज डिस्प्ले द इमेज रेफरेंस, जो भी है
कभी भी जब ये डिस्प्ले नहीं होता है या अनसपोर्टेड होता है उस ब्राउज़र में, तो ये अल्ट टैग वहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। ठीक, तो हम लोग इमेज एलिमेंट यूज़ करते हैं, तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है, ये बस ओपनिंग टैग है देखो, और उसी में थोड़ा सा हम लोग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिए हैं। ये तो कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जो कि क्लोजिंग टैग्स होते हैं, यानी कि उसको ओपन भी करेंगे क्लोज भी करेंगे, और उसके बीच में कंटेंट हम लोग देंगे, जैसे कि ये पी टैग। ठीक, ये पी टैग है, इसमें ओपनिंग टैग भी है और क्लोजिंग टैग भी है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जो जिसको बोलते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग, तो ये खुद ही क्लोज, मतलब ऑटोमेटिक क्लोज हो जाते हैं, उसमें क्लोजिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इमेज टैग जो होता है वो सेल्फ क्लोजिंग होता है। तो ऐसे और भी टैग्स होते हैं, आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे क्या होता है। तो इमेज जो होता है वो सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। ठीक, तो इसमें हम लोग को कोई क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखो थोड़ा सा इसको समझते हैं आके, यहाँ पे कैसे काम कर रहा है। तो अगर इंस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ पे नेटवर्क टाइप में जाएंगे, रिलोड करेंगे, तो देखो क्या हुआ। पहली जो रिक्वेस्ट है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, मतलब यहाँ पे गई है HTTP कॉलन स्लैश स्लैश, फिर जो भी पूरा बीच में नंबर है, फिर उसके बाद स्लैश इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे रिक्वेस्ट गई है, और इस रिक्वेस्ट को इनिशिएट किया है, इनिशिएट यानी कि स्टार्ट किया है हमारे ब्राउज़र ने, इसीलिए यहाँ पे अदर लिखा है। ठीक, फिर उसके बाद एक जिफ आई है। ठीक, एक जिफ आई है जो कि जिसको किसने बुलाया है, इस जिफ को बुलाया है हमारे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में। तो क्या होता है कि ब्राउज़र ने रिक्वेस्ट भेजी इस यूआरएल पे, और इस यूआरएल पे ये फाइल है। ठीक, तो यहाँ पे जो भी लाइव सर्वर, जो भी सर्वर क्रिएट किया उसने, उसने इस फाइल को ब्राउज़र को दे दिया। तो ब्राउज़र ये देखो इस फाइल को दे दिया, यहाँ पे रिस्पॉन्स पे जाएंगे तो ये पूरी फाइल जो हमने लिखी है अभी, हेलो वर्ल्ड, माय नेम इज़ अनुराग सिंह, आई एम फ्रंट एंड वेब डेवलपर, और फिर ये इतनी चीज़ें लिख के आ गई हैं। और फिर उसके आगे हम लोगों ने कुछ, देखो इमेज के आगे हम लोगों ने कुछ नहीं लिखा है, बॉडी है फिर एच टी एम एल है, लेकिन यहाँ पे देखो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो कि हम लोगों ने नहीं लिखी हैं। देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो कोड इंजेक्टेड बाई लाइव सर्वर, थोड़ा सा इसको भी मैं जूम कर देता हूँ और इसको उठा देते हैं ऊपर। कैसे उठेगा ये? अरे यार नहीं उठेगा क्या? उठना चाहिए थोड़ा सा, कोई नहीं चलो छोड़ो इग्नोर करो। तो यहाँ पे ये जो कोड है ना, इसको इंजेक्ट किया है लाइव सर्वर ने, तो जो हमारा जो वो सर्वर, लाइव सर्वर है ना, उसने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कोड डाल दिया इस इमेज के बाद में। तो उस एक्स्ट्रा कोड, वो एक्स्ट्रा कोड क्या है, वो उसने कुछ वेब सॉकेट कुछ ऐसे लिख के आया है, तुम्हें समझने की ज़रूरत नहीं है। वेब सॉकेट मतलब इसमें कुछ ऐसा सेटअप किया है कि जैसे ही हम लोग यहाँ पे चेंज करें, बेसिकली वो कोड इसलिए है, जैसे मान लो इसमें मैंने तीन तीन चार डॉट और लगा दिए, तो ऑटोमेटिक इसने रिलोड कर दिया पेज, और ये हमें कॉन्टेंट दिख गया अपडेटेड। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कोड है कहाँ गया, रिलोड करो फिर से। ये जो कोड है ना, कोड इंजेक्टेड बाय लाइव सर्वर, हमारा ये जो लाइव सर्वर एक्सटेंशन है ना, इसने इंजेक्ट किया है, इसने एक्स्ट्रा कोड इंजेक्ट कर दिया ताकि वो रिलोड कर सके। ठीक, फिर उसके बाद ये देखो बॉडी है, उसने कहाँ से इंजेक्ट किया है, यहाँ से लेके, फिर ये स्क्रिप्ट टैग है, स्क्रिप्ट हम लोग जावास्क्रिप्ट में आएंगे जब, तब वो हम लोग देखेंगे स्क्रिप्ट क्या होता है। तो वहाँ से फिर यहाँ से फिर से हमारा कोड है ये बॉडी और फिर HTML, तो उसने इतना बीच में कोड इंजेक्ट कर दिया है। तो बेसिकली ये काम क्या करता है, इतना कोड कि पेज को रिलोड करवाता है हर बार, तो उसको तुम इग्नोर कर दो। तो फिर पहले क्या होता है, ब्राउज़र ने इस URL पे रिक्वेस्ट भेजी, और फिर जो लाइव सर्वर है उसने रिस्पॉन्ड किया विथ दिस फाइल, ये पूरी फाइल उसने रिस्पॉन्स किया। ठीक, फिर क्या हुआ, ये जो हमारा ब्राउज़र है ना, वो उसने ये समझा H1 हेलो वर्ल्ड, तो उसने क्या किया, उसने ये बड़ा बड़ा दिखा दिया H1 को, वो थोड़ा सा, तो ये मतलब ब्राउज़र सब कुछ नहीं दिखाता, उसमें केवल बॉडी के अंदर वाला कंटेंट यहाँ पे दिखाता है। ठीक, ये ऊपर वाला कंटेंट अलग ही चला जाता है, वो दूसरे पर्पजेस के लिए यूज़ होता है,
ब्राउज़र दूसरे काम के लिए यूज़ करता है, उसको बाद में समझेंगे हम लोग। वैसे जो टाइटल है ना डॉक्यूमेंट, ये टाइटल डॉक्यूमेंट यहाँ पे आ रहा है। अगर हम लोग अभी के लिए चेंज कर दें, लेट्स से हेलो हेलो HTML, तो ये यहाँ पे हेलो HTML हो गया। ठीक, तो बस एक ही यही जो टाइटल है ना यही आता है यहाँ पे। बाकी और दूसरी चीज़ें हैं वो दूसरे पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं, उसको हम लोग आगे समझ लेंगे कि क्यों यूज़ होती हैं। तो फिर ये है HTML। तो क्या किया उसने, इस लाइन को समझा, यहाँ पे दिखा दिया उसने बड़ा करके, इस लाइन को समझा, इन मतलब इस पी टैग को समझा, बोला हाँ ये तो पैराग्राफ है, इसको हम छोटा करके दिखाएंगे ऐसे, इसने यहाँ पे दिखा दिया। फिर इन दोनों को ऐसे ही दिखाया, फिर इमेज पे पहुँचा। ठीक, इमेज पे जब पहुँचा तो इमेज एक स्पेशल टैग है, इसमें इमेज पे एक सोर्स एट्रीब्यूट होता है, तो सोर्स एक किसी यूआरएल को पॉइंट करता है। ठीक, तो इस केस में हम लोगों ने स्लैश दिया, डॉट स्लैश hi.gif, hi यानी कि हाय डॉट जिफ। तो ये इस यूआरएल पे फिर हमारा ब्राउज़र फिर से रिक्वेस्ट भेजेगा, HTTP रिक्वेस्ट, तो वही रिक्वेस्ट यहाँ पे दिख रही है। हाँ, तो इस तरह से हमारी इमेज आती है। ये जो हमारा ब्राउज़र है इमेज टैग को जब इनकाउंटर करता है, यानी कि जब पढ़ते पढ़ते लाइन नंबर 20 पे आता है, तो उसको दिखता है कि यहाँ एक इमेज टैग है, तो इमेज चाहिए उसको, तो एक रिक्वेस्ट फिर से भेजता है। तो रिक्वेस्ट इस यूआरएल पे जाती है, नहीं इस यूआरएल पे नहीं, हाँ इस यूआरएल पे रिक्वेस्ट जाती है, और फिर रिस्पॉन्स आता है ये GIF का, और वो वहाँ पे लगा देता है। ठीक, तो ये ऐसे हमारा पेज बनता है पूरा, ये इस तरह से हमारा HTML पूरा रेंडर होता है। और फिर ये नीचे WS क्या है, ये जो है ये लाइव सर्वर ने भेजा है, ये रिक्वेस्ट लाइव सर्वर ने भेजा है। अभी हम लोग कहाँ गया, ये इंडेक्स, ये लाइव सर्वर का कोड है, ये इतना कोड जो लिखा है यहाँ पे ना, ये कोड वो रिक्वेस्ट भेज रहा है, हम लोग वो रिक्वेस्ट नहीं भेज रहे हैं। ठीक, तो उस रिक्वेस्ट को इग्नोर करो, वो क्यों है, अगर हम लोग इस फाइल को लाइव सर्वर के थ्रू ना खोलें तो वो रिक्वेस्ट नहीं आएगी, तो अभी के लिए ऐसे ही रखो, इसको बस इग्नोर करो तुम। हाँ, तो ये सारी रिक्वेस्ट हो गई। तो अगर अभी एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पे, अगर इस पे राइट क्लिक करेंगे और हार्ड रिलोड करेंगे, तो एक और रिक्वेस्ट जा रही है, फेविकॉन डॉट आईको। ठीक, ये क्या होता है, ये एक्चुअल में हमारा ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट इस पे रिक्वेस्ट भेजता है, जो भी हमारा यूआरएल है वो स्लैश फेविकॉन डॉट आईकॉन। तो ये होता क्या है, अच्छा इस रिक्वेस्ट को हमने नहीं भेजा है, देखो ये किसने भेजा है, ये अदर यहाँ पे लिख के आ रहा है, इसका मतलब इसको ब्राउज़र ने भेजा है, इसको HTML ने रिक्वेस्ट नहीं भेजा है। तो ये बेसिकली ये यहाँ पे जो अभी अर्थ का आइकन दिख रहा है, कुछ ग्लोब का आइकॉन, ये यहाँ पे वेबसाइट्स का आइकॉन होता है, तो उस आइकॉन को ये रिक्वेस्ट कर रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक, ये ऑटोमेटिक हर एक साइट के लिए होता है। ठीक, तो हम लोग अगर हम लोग यहाँ पे अभी अभी देखो क्या हो रहा है, अभी ये बता रहा है नॉट फाउंड, 404 नॉट फाउंड, और रेड कलर में आ रहा है, स्टेटस कोड है नॉट फाउंड। तो अगर हम लोग इसको भी ऐसे करके यहाँ यूआरएल पे अगर पेस्ट करेंगे, तो भी यहाँ पे ऐसे कैन नॉट गेट फेविकॉन आइकॉन, मतलब अभी इसको मिला नहीं है। ठीक, और यहाँ पे भी 404 आ रहा है। तो हम लोग को कैसे मिलेगा ये, बहुत सिंपल है, हम लोग को एक केवल फाइल यहाँ पे डाल देनी है, एक फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप करके डाल देनी है। तो वो फेविकॉन कहाँ मिलेगा, गूगल पे जाओ सर्च करो, डाउनलोड फेविकॉन, DOWNLOAD FAVICON, ठीक एंटर मार दो, तो यहाँ पे आ जाओ। अच्छा ये भी है, ये भी खोल लेते हैं, देखते हैं कहाँ पे अच्छा मिलता है। तो कौन सा हम लोग को चाहिए, कोई भी ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई इमोजी ले लेते हैं कोई, यहाँ से ये लो, इस वाले फेविकॉन .io/इमोजी, यहाँ पे आ गए, कोई हैप्पी इमोजी ले लेते हैं, हैप्पी स्माइली सर्च करने का ऑप्शन है, नहीं है, चलो ये हैप्पी, ये हैप्पी है तो हंस रहा है। ठीक, कोडिंग है, कोई कोडिंग का आइकॉन, एनिमल्स कंपोनेंट्स ऑब्जेक्ट्स
ट्रैवल प्लेसेस, कोई नहीं, कोई यही हैप्पी वाली आइकॉन ले लेते हैं, यही हंस रहा है, ठीक, इसको कर लो डाउनलोड। तो इसने जिप डाउनलोड किया है, जिप पे राइट क्लिक करो और एक्सट्रैक्ट ऑल कर दो। विंडोज 10 में थोड़ा अलग सा ऑप्शन होगा, आप कर सकते हैं जैसे भी हो। एक्सट्रैक्ट कर दिया मैंने, तो ये आ गया फोल्डर, इसमें कई सारी वो हैं, तो हम लोग इसमें से कोई भी फाइल ले सकते हैं, लेकिन यही वाली ले लेते हैं क्योंकि इसका नाम फेविकॉन डॉट आईकॉन है और हमारा ब्राउज़र जो रिक्वेस्ट भेज रहा है वो भी इसी पे भेज रहा है, तो इसी वाली फाइल को ले लेते हैं। वैसे लेने को कोई भी ले सकते हैं और उसको रीनेम कर लेंगे फेविकॉन डॉट आईकॉन तो भी काम करेगा। तो अभी के लिए यही ले लेते हैं और ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं इसको अपने फोल्डर में, VS कोड में यहाँ पे। तो ये लो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ठीक, इसको क्लोज कर दो। और फिर हम लोग यहाँ पे आएंगे अगर, और फिर से ये सब क्लोज कर दो। अच्छा, इसको रहने देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। इस पर अगर रिलोड करेंगे तो ये लो, ये फाइल आ गई क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे डाल दिया है। और फिर इसको आके अगर हार्ड हार्ड रिलोड करेंगे एक बार, तो ये देखो यहाँ पे ये आइकॉन भी आ गया, हंसता हुआ इमोजी। यहाँ पे आप कोई भी आइकॉन डाल सकते हैं, ठीक, वो बस डॉट ICO फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ इसको फेविकॉन बोलते हैं, कुछ लोग फैब आइकॉन भी बोलते हैं, जो भी आप बोले, मैं फेविकॉन बोलता हूँ, पता नहीं क्या सही क्या गलत है, सब सही सब गलत है। और वैसे इसको बहुत लोग जिफ बोलते हैं, बहुत लोग गिफ बोलते हैं, तो सबका अपना अपना पर्सनल चॉइस है, जो भी बोलना हो बोल सकते हैं। तो हाँ, तो ये आ गया। और एक वेबसाइट है फेविकॉन ड्रॉ ड्रॉ फेविकॉन करके शायद, फेविकॉन, हाँ यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ये है ड्रॉ, जैसे अपने नाम का ड्रॉ कर सकते हैं, ये लो मेरा नाम है अनुराग, तो मैंने थोड़ा सा सेंटर में ड्रॉ करते हैं। क्लियर कैसे होगा, ऐसे क्लियर होगा, ठीक है, थोड़ा सा सेंटर में ड्रॉ करते हैं, ये कैसे, एक बार रिलोड ही कर लेते हैं, ये लो ड्रॉ, ये हो गया और ये हो गया और ये ए हो गया, ये ए हो गया। फिर इसको कर लेंगे डाउनलोड, टाइटल फेबिकॉन डॉट आईकॉन ही दे दो, FAVICON डॉट ICO, ICO पता नहीं, ऑटोमेटिक हो शायद हो जाएगा, डाउनलोड FAVICON, ये लो फेविकॉन डॉट ICO करके डाउनलोड हो गया, ठीक। अब इसको डिलीट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको डाल देते हैं ताकि हमारा नाम रहे इस पे। आप कहीं से भी कुछ भी, कोई भी एक इमेज भी है ना, तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं डॉट ICO फॉर्मेट में, फेविकॉन वाले फॉर्मेट में। अभी कुछ नाम में गड़बड़ी है क्या, फेविकॉन डॉट, अच्छा इसको हार्ड रिलोड करना पड़ेगा तभी रिक्वेस्ट जाएगी। ये देखो आ गया मेरा नाम यहाँ पे, मतलब मेरा नाम क्या ए आ गया यहाँ पे, ठीक। तो ये देखो रिक्वेस्ट, ये ब्राउज़र ऑटोमेटिकली भेजता है यहाँ पे, और अगर वहाँ पे फाइल प्रेजेंट है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। और इसको हम लोग खुद से भी लिंक कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने ड्रॉ किया था ना, तो उसने कुछ HTML दिया था, अगर डाउनलोड पे क्लिक किया तो हाँ ये देखो, ये उसने ये लिंक दे दिया, ठीक। अगर इस लिंक को हम लोग यहाँ पे पेस्ट करें, यहाँ पे लिंक पेस्ट करें, तो यहाँ पे हम लोग अब नाम कोई भी चूज कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे आए, इसको नाम दे देते हैं कुछ भी, जैसे माई फैब आईकॉन, और इसको कर देंगे माई फैब आईकॉन, तो अब ये रिक्वेस्ट जो है ब्राउजर उस पे भेज रहा है, माई फाइव आइकॉन पे ब्राउजर रिक्वेस्ट भेज रहा है और फिर वो फाइल आ रही है। तो ये चीज, इतना सा कोड ऐड करके हम लोग
उसको एक नाम दे सकते हैं। बाय डिफॉल्ट फेविकॉन डॉट आईकॉन रहता है, और अगर हम लोग अगर कोई खुद का नाम देना चाहें, कस्टम नेम, तो हम लोग ऐसा यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो जैसे अगर हम लोग इस फाइल को अब डाल दें, तो अब ये फाइल नहीं लोड होगी। अब इसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है क्योंकि हम लोगों ने इसको मेंशन कर दिया है। ठीक, तो अगर हम लोग हार्ड रिलोड फिर से करेंगे, तो ये केवल हम लोग की फाइल आएगी क्योंकि रिक्वेस्ट जा रही है myfab icon.ico पे। ठीक, तो अगर हम लोग इस लाइन को डिलीट कर दें, तो फिर माई फाइव आइकॉन नहीं डाउनलोड नहीं लोड होगा, फाइव आइकॉन होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उधर ही जाती है रिक्वेस्ट। ठीक, समझ गए? तो इतना सा कोड, अब इसमें भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है क्या क्या है। ठीक, बस इतना सा कोड, तो हम अगर मान लो भूल गए कैसे ऐड करना है, ठीक, फेविकॉन कैसे ऐड करना है, तो जस्ट सर्च करो हाउ टू ऐड FAVICON इन HTML, एंटर मारो, W3 स्कूल्स का रिजल्ट आ गया, ओपन करो, ये कहीं मिलेगा, तुम्हें इतना सा कोड मिल गया, कॉपी कर लो, ये लो, कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दो, बस हो गया। यहाँ पे HREF में, HREF यानी कि अब ये इमेज की लिंक है, तो HREF में तुम अपने इमेज की लिंक दे दो, ये माई फेब अकाउंट डॉट जो भी है, ये दे दिया, आ गया, हार्ड रिलोड करके भी देख लो। तो याद करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, जैसे कि यहाँ पे टाइप इक्वल टू इमेज स्लैश आइकॉन, ये सब कुछ कुछ भी नहीं याद करने की ज़रूरत है, तुम भूल जाओ, बस सर्च करो हाउ टू ऐड। जो गूगल है ना, सबसे बड़ा तुम्हारा फ्रेंड है वेब डेवलपमेंट सीखने में या कोई भी कोडिंग स्किल सीखने में, गूगल ही सबसे बड़ा तुम्हारा फ्रेंड रहेगा। तुम्हें कोई मतलब तुम्हारे आसपास कोई टीचर नहीं रहेगा जो पूरे टाइम तुम्हारे लिए अवेलेबल होगा। गूगल जो है वो तुम्हारे लिए 2400 घंटे अवेलेबल है, और 1 सेकंड में ऐसे रिजल्ट देता है, कोई टीचर इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तुम्हें बस को सर्च करना सीखना है बढ़िया से, एकदम कभी अटको के नहीं, कभी तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी कि कैसे ऐड करना है, बस हाउ टू ऐड फेविकॉन इन HTML, ये रिजल्ट आ गया, तुमने कॉपी पेस्ट किया, काम हो गया। धीरे 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 जब तुम करते जाओगे तो तुम्हें समझ आता जाएगा कि क्या है ये सब, इसका मतलब क्या है, क्या होता है। ठीक, और जैसे कि ये जो होता है, जैसे किसी भी टैग के अंदर जब हम कोई वैल्यू इक्वल टू समथिंग लिखते हैं, ठीक, जैसे यहाँ पे लिखा है SRC इक्वल टू समथिंग, तो इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट, जैसे कि ये सोर्स एट्रीब्यूट है। ठीक, देखो यहाँ पे अगर हवर करेंगे तो इमेज URL, ठीक, ये बता रहा है कि ये क्या है, ये जो जो सोर्स लिखा है ये क्या है, ये है द इमेज URL। दिस एट्रीब्यूट, अभी लिखा है दिस एट्रीब्यूट, यानी कि यह एट्रीब्यूट, अब इसका मतलब ये एक एट्रीब्यूट है, तो इसको जो भी इक्वल के लेफ्ट साइड लिखा होता है उसको एट्रीब्यूट बोलते हैं। तुम्हें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम भूल गए क्या बोलते हैं, इस पे हवर करो, लिख के आएगा दिस एट्रीब्यूट, समझ जाओ दिस एट्रीब्यूट है, नहीं तो ये वीडियो में मैं टाइम डाल दूंगा, उस वीडियो में आके देख लो क्या बोलते हैं ये, इसको बोलेंगे सोर्स एट्रीब्यूट है और ये उस एट्रीब्यूट की वैल्यू है, बस एट्रीब्यूट वैल्यू, एट्रीब्यूट वैल्यू, और तुम्हें कोई भी एट्रीब्यूट याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम सर्च करोगे तुरंत आ जाएगा। जैसे तुम अब इमेज में क्या क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं, एक तो सोर्स डाल दिया, एक अल्ट डाल दिया, और भी हो सकता है जैसे कि विड्थ, विड्थ एट्रीब्यूट हो सकता है। ठीक, जैसे विड्थ मैंने डाल दिया 100, 100 यानी कि 100 पिक्सल होता है बाय डिफॉल्ट यहाँ पे, तो हमें पिक्सल लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये 100 लिखेंगे तो ऑटोमेटिक 100 हो जाएगा। अब इसकी विड्थ अगर हावर इस पे ऐसे करेंगे, अच्छा ये इंस्पेक्टर होता है, मतलब ये इससे हम लोग ऐसे अगर इस पे क्लिक करेंगे तो ब्लू कलर का हो जाएगा, और जिस पे भी लेके आएंगे ये उस एलिमेंट को सेलेक्ट करेगा यहाँ पे एलिमेंट्स टैब के अंदर, और फिर अगर हम लोग इस पे हावर करते हैं तो उसकी विड्थ इधर दिखा रहा है। अब मैं अगर माउस हटा लूँगा तो भी हट जाएगा इधर, अभी आप लोग इस तरफ देखना उसकी विड्थ हाइट दिखाएगा, तो उसकी विड्थ इतनी दिखा रहा है 100, और नीचे भी आके देख सकते हैं यहाँ पे ये है इसकी विड्थ 100, क्योंकि हम लोगों ने 100 दी है। ठीक, वैसे इमेज की हाइट कभी भी जब हम लोग एक्चुअल डेवलपमेंट करेंगे तो ऐसा ही नहीं देते हैं, जो भी विड्थ होती है उसको CSS के थ्रू देते हैं, और ये CSS नहीं है। ठीक, ये
इमेज के एट्रीब्यूट्स हैं कुछ, और ऐसे ही हाइट दे सकते हैं, हाइट दे देंगे। मान लो इसको भी 100 दे दिया, तो अभी देखना हमारी इस ये इमेज जो है 100 बाई 100 की हो गई, लेकिन ये लंबी हो गई। थोड़ा सा बड़ा करते हैं, 400 कर दो, इसको भी 400 कर दो, तो ये हमारी इमेज हो गई ऐसे। लेकिन अब देखो क्योंकि हाइट और विड्थ दे दिया है, तो इसका एस्पेक्ट रेशियो बिगड़ गया है। एस्पेक्ट रेशियो मतलब कितने बाई कितने का था, तो वो चेंज हो गया है, अभी स्क्वायर बन गया है। ठीक, तो अगर हाइट हटा देते हैं तो हाइट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है। ये जो एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन रहता है, हाइट ऑटोमेटिकली, जैसे विड्थ बढ़ा रहे हैं, विड्थ प्रॉपर्टी यहाँ पे, ये जो एलिमेंट्स टैब है ना, इस पे आएंगे, अगर इमेज पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इमेज सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर इस पे डबल क्लिक करेंगे और फिर अप और डाउन एरो अगर प्रेस करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली ये बढ़ता घटता है। ठीक, तो जैसे मैंने इतना बढ़ा दिया, तो ये तुरंत उधर नहीं दिखता है, लेकिन जैसे ही यहाँ कहीं या बाहर कहीं भी क्लिक करेंगे, तो ये वहाँ पे तुरंत रिफ्लेक्ट होगा। ठीक, यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं क्या? यहाँ पे नहीं एडिट कर सकते, अगर वो सी एस एस के थ्रू दिया होता तो यहाँ पे एडिट कर सकते थे। ठीक, तो देखो ये इमेज एट्रीब्यूट स्टाइल है। ठीक, तुम्हें याद करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, बस देख लो कि कुछ नीचे लिखा हुआ आ रहा है विड्थ, बस इतना ही। यहाँ पे हम लोगों ने विड्थ दे दी, तो विड्थ भी एक एट्रीब्यूट है। विड्थ भी एक एट्रीब्यूट है, तो तुम्हें जैसे ये जानना है कि विड्थ के पॉसिबल क्या क्या एट्रीब्यूट हैं, तो इमेज img एट्रीब्यूट, AWTRI एट्रीब्यूट्स इन HTML, W3 का रिजल्ट आया, ये खोला, तो देखो क्या क्या है एट्रीब्यूट। ऑल्ट एट्रीब्यूट है, क्रॉस ऑरिजिन एट्रीब्यूट है, ये मैंने भी कभी यूज़ नहीं किया है, नॉर्मली यूज़ नहीं करते हैं। ठीक, हाइट एट्रीब्यूट है, इज मैप मुझे भी नहीं पता, आज तक कभी यूज़ नहीं किया। लोडिंग ये मैंने यूज़ किया है, ये हम लोग आगे देखेंगे, यूज़फुल होता है काफ़ी केसेस में। और फिर ये, और फिर हाँ, उसकी क्या पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं, यहाँ भी दी है, जैसे कि ये एट्रीब्यूट हुआ और ये वैल्यू है, जब भी ऐसे डबल कोट्स में लिखी होती है वो वैल्यू होती है, और ये एट्रीब्यूट होता है जो लेफ्ट में, वो एट्रीब्यूट इधर वाला वैल्यू। ठीक, तो ये देखो कितने सारे पॉसिबल इमेज के एट्रीब्यूट हो सकते हैं। सोर्स, जिसमें से हम लोग सोर्स यूज़ कर रहे हैं, और अल्ट यूज़ कर रहे हैं, अल्ट कहाँ गया, सबसे ऊपर ही है, अल्ट है, और फिर विड्थ है, विड्थ सबसे नीचे है, ये देखो। तो हम लोग को सारा एट्रीब्यूट याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कुछ भी याद करने की, इनफैक्ट कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, तुम्हें बस केवल सर्च करना है। ठीक, जो भी तुम भूल जाओ बस केवल सर्च करो। तो हम लोगों ने बना लिया अपनी साइट, हेलो, और यहाँ पे अभी लॉरम इसमें लिखा है, तो चलो कुछ वैल्यूएबल लिखते हैं। मेरा, मैं अपना वो खोलता हूँ, मेरा पोर्टफोलियो साइट, ये है मेरी पोर्टफोलियो साइट, देखने में काफ़ी अच्छी है, आप लोग भी देख सकते हैं। अनुराग सिंह बम डॉट कॉम इसका URL है, anuragsinghbum.com। ठीक, ये मैंने बनाई थी जब मुझे जॉब के लिए अप्लाई करना था, और नीचे मेरे पोर्टफोलियो हैं, मतलब पोर्टफोलियो नहीं, प्रोजेक्ट्स हैं जो भी, जिस पर भी मैंने काम किया है, तो ये लोग, आप लोग जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं क्या क्या है इसमें। मैं उस पर नहीं जाऊँगा, मैं अबाउट मी से मैं कुछ कुछ कॉपी कर लूँगा, कुछ चीज़ें चुरा लेता हूँ ताकि लॉरम इप्सम यहाँ से हट सके, और आप लोग भी वो क्या बोलते हैं, भूल गया क्या बोलना था यार, हाँ, आप लोग भी कुछ भी अच्छे से लिख सकते हैं, मतलब लॉरम इप्सम की जगह कुछ भी अच्छे से लिख सकते हैं यहाँ पे। तो अच्छा, अभी मैंने ये कैसे किया, देखो अभी मुझे क्या करना है, अभी मेरा क्या गोल है, मैं क्या करने जा रहा था कि मैं यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करना जा रहा था। कि यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करूँगा, फिर ये सारा डिलीट करके ये मैं पेस्ट कर दूंगा, जो भी मैंने कॉपी किया था अपने वेबसाइट से। ठीक, तो एक तो ये तरीका है कि यहाँ पे कर्जर रखो, फिर यहाँ से यहाँ तक लेके आओ, लेकिन देखो मैं यहाँ तक ला रहा था, या यहाँ तक ला रहा था, और फिर वो थोड़ा सा पीछे भी चला गया, कई बार यहाँ से स्टार्ट करते हैं फिर थोड़ा सा आगे से स्टार्ट हो जाता है, तो ऐसे कई बार उतना प्रिसाइज नहीं रहता है, कई बार एक आध पॉइंट छूट गया, फिर इसको कट करेंगे, फिर इसको भी दबाना पड़ेगा, तो शॉर्टकट होता है उसका, कहीं भी बीच में कर्सर रख दो, किसी भी एलिमेंट के अंदर, किसी भी कंटेंट, किसी भी प्लेस पे, शिफ्ट अल्ट
लेफ्ट एरो, लेफ्ट नहीं राइट एरो, शिफ्ट अल्ट राइट एरो दो बार दबाओगे सेलेक्ट हो जाएगा। याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये जो भी शॉर्टकट्स मैंने यहाँ पे जैसे कि ये वाला तुम्हें नहीं मिलेगा, तो मैं इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि सेलेक्ट द कंटेंट इनसाइड, ठीक, इनसाइड एन एलिमेंट और टैग, ठीक। तो शिफ्ट अल्ट एरो होता है, तुम्हें याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तुम वीडियो पे आके देख सकते हो क्या था शॉर्टकट, ठीक। नहीं तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मुझसे कि वो वाला ये क्या था, शॉर्टकट क्या था, ठीक, जिससे हम लोग सेलेक्ट करते थे अंदर वाला, ठीक। ऐसे कुछ भी पूछोगे मैं रिप्लाई करूँगा, ठीक। सबसे बढ़िया है तुम कमेंट में पूछ लेना, ठीक। अगर मैं भूल जाता हूँ इसको ऐड करना शॉर्टकट को, तो ऐसे देखो लेफ्ट एरो से वो सेलेक्शन जो है श्रिंक होता है, राइट एरो से वो सेलेक्शन ग्रो होता है। देखो अभी एक बार और मैंने क्लिक कर दिया तो उसने पी टैग को भी सेलेक्ट कर लिया, एक बार और मैं कर दूंगा तो थोड़ा और भी ग्रो होगा, और क्लिक कर दिया तो मैंने ये बॉडी के अंदर का पूरा सब कुछ सेलेक्ट कर लिया, और क्लिक कर दिया तो और ये ग्रो हो रहा है, तो और फिर लेफ्ट एरो से श्रिंक हो रहा है सेलेक्शन, ठीक। हम लोग को बस इतना ही सिलेक्शन चाहिए, तो कहीं भी क्लिक करेंगे अल्ट शिफ्ट राइट एरो दो बार क्लिक करेंगे पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। तो मैं पूरे टाइम अगर मुझे कुछ भी कंटेंट सेलेक्ट करना है तो यही शॉर्टकट मैं यूज़ करूँगा, और जब जब भी मैं यूज़ करूँगा मैं बोलता रहूँगा, तो कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी। अगर तुमने सोचा कि तुम वेब डेवलपमेंट में कुछ भी याद करके तुम्हें याद रहेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। तुम याद करने की कोशिश करोगे, भूल जाओगे, फिर डिमोटिवेट होगे। तो याद कुछ नहीं करना, नोट भी मैं कभी नहीं बनाता हूँ। अगर आप नोट के टाइप के हैं, नोट आपको बनाना अच्छा लगता है लिखना, तो आप नोट बना सकते हैं, मैं पर्सनली नहीं बनाता हूँ। मैं सारा वीडियो देखता हूँ, जो भी मैं भूल जाता हूँ मेरा गूगल जो है वो गूगल मेरा नोट है, ठीक। गूगल को मैं एज अ नोट यूज़ करता हूँ। हाँ इवन गूगल इज़ फास्टर देन नोट फॉर मी, ठीक। जैसे कि अब मैं भूल, मुझे पता ही नहीं था क्या इमेज के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैं एक कॉपी में नोट बना के लिखूँ, ठीक। नोट में सब कुछ नोट रहेगा कि क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं। नहीं तो इमेज इमेज एट्रीब्यूट इन एचटीएमएल मैंने सर्च किया, रिजल्ट आया, मैंने देखा, मेरा काम खत्म, ठीक। बस इतना ही। इसमें से मान लो मुझे ये लोडिंग वाले एट्रीब्यूट की वैल्यू नहीं पता थी क्या क्या होती है, तो ईगर और लेजी ये मैंने मुझे पता चल गई, मेरा काम खत्म हो गया, और मुझे किससे मतलब नहीं है। तो तुम्हें जिस टाइम पे जितना इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो तुम गूगल सर्च करो, उतनी इन्फॉर्मेशन देखो, तुम्हारा काम खत्म। तुम उसको यूज़ करोगे, दो तीन बार यूज़ करोगे, तुम्हें अपने आप याद हो जाएगा। तुम्हें याद करने के लिए फोर्स करना ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक। तो चलो बैक चलते हैं। हाँ तो अभी ये हमारी साइट बन के तैयार हो गई है, इस पे विड्थ विड्थ कुछ देते नहीं है क्योंकि ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती। विड्थ ये एट्रीब्यूट दे के हम लोग हाइट विड्थ नहीं देते हैं एक्चुअल में, जब डेवलपमेंट पे काम करते हैं। तो इतना जो भी है डिफॉल्ट रहने दो, ठीक। तो अभी जैसे कि हम लोग ये छोटा कर रहे हैं, तो हम लोग की इमेज की विड्थ जो है, इमेज की जो इंट्रेंसिक विड्थ है, इंट्रेंसिक यानी कि जो एक्चुअल विड्थ है, वो इतनी है, कितनी, 600 है जो भी है, 640 है। तो हम लोग ये जो विंडो जब रिसाइज कर रहे हैं, तो इधर देखो तुम, अभी ये मुझे हाइट और विड्थ लिख के आएगी। हाइट तो फिक्स है, 792 है इधर, ठीक, लेकिन विड्थ चेंज हो रही है क्योंकि हम लोग चेंज कर रहे हैं। तो हमारा कंटेंट तो छोटा हो रहा है, ठीक, लेकिन इमेज नहीं छोटी हो रही है। तो ये इमेज के साथ बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक और एट्रीब्यूट देख लेते हैं अभी के लिए, स्टाइल एट्रीब्यूट, STYLE, ठीक। स्टाइल एट्रीब्यूट में हम लोग बहुत कुछ दे सकते हैं। एक्चुअल में ये CSS वाला एट्रीब्यूट है, यहाँ पे CSS की कोई भी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, ठीक। कंटेन CSS स्टाइलिंग डिक्लेरेशन टू बी अप्लाइड इन द टू बी अप्लाइड टू द एलिमेंट, ठीक। तो CSS डिक्लेरेशन, यहाँ पे CSS रूल्स लिख सकते हैं जो कि इस एलिमेंट पे अप्लाई होगा। तो अभी हम लोग CSS में ज़्यादा कुछ नहीं जाएंगे, बस छोटा सा लिखेंगे ताकि हम लोग का जो इमेज है वो मोबाइल में भी अच्छा दिखे। डेस्कटॉप में तो अच्छा दिख ही रहा है क्योंकि हम अच्छे हैं ही मजाक था, ठीक। विड्थ 100%, बस तुम इतना लिख दो, ठीक।
कहाँ पे कॉलन लगाना है, कहाँ पे सेमी कॉलन लगाना है, ये कुछ नहीं याद रखना, तुम बस इतना सा लिख दो। ये सारा हम लोग CSS में अच्छे से समझेंगे जब CSS सीखेंगे। तो इतना मैंने लिख दिया, विड्थ 100%। तो अभी क्या होगा, बड़े डिवाइस में इतनी बड़ी विड्थ आ रही है, ठीक। तो ठीक है मुझे लगता है, लेकिन चाहें तो एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे दे सकते हैं, मैक्स विड्थ 600 पिक्सल। ठीक, तो इससे क्या होगा कि 600 पिक्सल से बड़ा नहीं होगा, और अगर हमारी डिवाइस छोटी होती है तो ये छोटा होगा। वो जब हम लोगों ने ये नहीं दिया था, ये पूरा हटा देते हैं, तो जब छोटा कर रहे थे ना तो ये बाहर जा रहा था स्क्रीन के, इसको बोलते हैं ओवरफ्लो। मतलब हमारा जो कंटेंट है वो हमारे डिवाइस के विड्थ से बड़ा है, तो ओवरफ्लो क्रिएट करता है। बाय डिफॉल्ट हमारा जो ब्राउज़र है वो ओवरफ्लो कर देता है चीज़ों को, अगर उसकी विड्थ जो ब्राउज़र है उसकी विड्थ से बढ़ जाती है तो घट जाती है तो। ठीक, तो ये ओवरफ्लो हो रहा है, तो इस मोबाइल में अगर खोलते, यहाँ से हम लोग ये व्यू चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ये है अभी मोबाइल का आईफोन SE का व्यू है। हाँ, तो अगर हम लोग ऐसे क्या कर रहे थे, अगर छोटे डिवाइस में खोल रहे थे तो ये स्क्रॉल हो रहा था। तो जब हम लोग ये प्रॉपर्टी लगा देंगे, स्टाइल विड्थ 100% और मैक्स विड्थ दे दिया है ताकि बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, स्क्रीन के बाहर ही ना चला जाए, मैक्सिमम विड्थ 600 पिक्सल। ठीक, और किसी भी प्रॉपर्टी पे तुम हवर करोगे, अलाउज ऑथर्स टू कंस्ट्रेन कॉन्टेंट विड्थ टू सर्टेन रेंज। ठीक, तो उसकी डेफिनेशन तुम्हें मिल जाएगी, और एक्चुअल डेफिनेशन तुम्हें मोजिला फायरफॉक्स पे लंबी चौड़ी सी मिल जाएगी, इसकी क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक, तो तुम्हें कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी पॉइंट पे। तो ये मैंने जब कर दिया ऐसा, तो मेरी विड्थ, अगर मैं डिवाइस छोटा कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिक इमेज की विड्थ छोटी हो रही है। ठीक, तो अगर मैं किसी फ़ोन में खोलता हूँ तो ऐसा दिख रहा है मेरा। ठीक, और अगर इसको मैंने नहीं दिया था तो अभी देखना, ये मोबाइल में ओवरफ्लो नहीं कर रहा है। ये देखो, ये मोबाइल में ओवरफ्लो कर रहा है। ठीक, क्योंकि ये इसकी विड्थ बड़ी है तो ये ओवरफ्लो कर रहा है, तो स्लाइडर आ रहा है। ठीक, तो इसीलिए हम लोग इसकी विड्थ दे देते हैं 100%, तो ये ओवरफ्लो नहीं होगा, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। ठीक, अब इसका कोई नहीं, हम लोग अभी HTML सीख रहे हैं तो इतना हम लोग के लिए काफ़ी है। तो आई एम अ फ्रंट एंड डेवलपर, इसको मैं चेंज करके आई एम अ फुल स्टैक कर देता हूँ। आई एम अ फुल स्टैक वेब डेवलपर। ठीक, आई एम अ फुल स्टैक, क्योंकि मैं फुल स्टैक काम करता हूँ। तो इतना बन गया है हमारा ये। तो अभी ये जो सर्वर है ना, ये लोकल होस्ट है। ठीक, ये अभी जो हमारा सर्वर है ये लोकल होस्ट का सर्वर है। तो ये अगर ऐसा क्या है, ऐसा है कि किसी भी डिवाइस पे खोलोगे तो खुलेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये नहीं खुलेगा। अगर तुम अपने मोबाइल में खोलोगे, ऐसा लिखोगे, तो खुलेगा ही नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा? ये बस केवल डेवलपमेंट पर्पस के लिए है, ये हमारे लोकल होस्ट पे रहता है। लोकल होस्ट यानी कि हमारा खुद का ब्राउज़र, हमारा खुद का ब्राउज़र इसी ने सर्वर बनाया है और वही सर्व कर रहा है, तो हमारे ब्राउज़र में ही खुलेगा। और कुछ थोड़ी सी ट्रिक्स हैं, थोड़ी सी वो हैं, मतलब कुछ थोड़ा बहुत IP एड्रेस यूज़ करके हम लोग मोबाइल में खोल सकते हैं, अगर हम लोग सेम नेटवर्क से कनेक्टेड हैं। जैसे कि अभी मैं एयरटेल फाइबर 5G से कनेक्टेड हूँ, और अगर मोबाइल में भी मैं इसी नेटवर्क से कनेक्टेड हूँ तो मेरा खुल सकता है। ठीक, वो हम लोग खोलेंगे, मोबाइल में भी खोल के देखेंगे एक्चुअली कैसे खुलता है, जब हम लोग एक्चुअल डेवलपमेंट शुरू करेंगे और CSS थोड़ा सा करने लगेंगे, तो मोबाइल में भी खोलने की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि हम लोग कॉन्स्टेंटली देख सकें कि मोबाइल में वो हमारा जो भी व्यू क्रिएट कर रहे हैं वो अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, तो ये हो गई हमारी वेबसाइट। तो अगर मैं चाहूँ तो क्या ये वर्ल्ड वाइड अवेलेबल हो सकती है? हाँ, इसको हम लोग को एक रिमोट सर्वर पे होस्ट करना होगा। अब ये रिमोट सर्वर क्या होता है? रिमोट सर्वर यानी कि हम लोग का खुद का कंप्यूटर नहीं, कहीं और किसी दुनिया में, मतलब इसी दुनिया में किसी और जगह पे कोई ऐसा कंप्यूटर है
जो इंटरनेट पे वर्ल्ड वाइड वेब पे, यानी कि वहाँ से कोई भी एक्सेस करता है, उस सर्वर पे हमें इसको रखना होगा। अभी का जो हमारा सर्वर है ये लोकल सर्वर है, यानी कि हमारे खुद के ही सिस्टम पे दिखेगी और खुद के जो नेटवर्क, इसी नेटवर्क में कनेक्टेड है वहीं पे ये दिखेगा। ठीक, और वो भी ऐसे तुरंत नहीं दिखेगा, अगर यही यूआरएल मोबाइल में डाल दोगे तो नहीं दिखेगा। ठीक, तो ये हमारा लोकल सर्वर है, हम लोग को एक्चुअल सर्वर पे डालना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे नेटलीफाई, एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, netlify.com, NETLIFY, नेटलीफाई सर्च कर लो ऐसे, क्योंकि स्पेलिंग गलत थी, नेटेलीफाई मैंने लिख दिया था। तो netlify.com, यहाँ पे आओ, लॉगिन करो, लॉगिन विथ गिटहब है, लॉगिन विथ गिटलैब है, लॉगिन विथ ईमेल है। तो एक्चुअल में लॉगिन विथ गिटहब ही करना चाहिए, तो चलो हम लोग गिटहब का अकाउंट पहले बना लेते हैं। ठीक, और गिटहब क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, ये हम लोग जब हम लोग थोड़ा सा प्रोजेक्ट बनाना शुरू करेंगे तब हम लोग उसको यूज़ करेंगे, लेकिन अकाउंट बना लेते हैं। चलो github.com, github.com, शायद इस पे मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, मैं एक बार बता देता हूँ कैसे बनाना है। नॉर्मली जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे तो नहीं, इंस्टाग्राम पे जैसे अकाउंट बनाते हैं वैसे ही है, कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। PROCODER@gmail, मैं भूल गया अपना ईमेल, procoder@gmail.com होता है ना, @gmail.com, .gmail.com लिखने जा रहा था। कंटिन्यू, हाँ ये देखो वही ईमेल इज ऑलरेडी टेकन। तो आप लोग इस पे अकाउंट बनाइए, मैं कोई नया ईमेल ट्राई करूँ, चलो मैं एक नए ईमेल से ट्राई करता हूँ, देखते हैं। ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो अकाउंट बनाने में, हाँ मैं ये वाला, एक दूसरा ईमेल ट्राई करता हूँ, NAMASTE node, क्या है, .js, नमस्ते node .js, हाँ कंटिन्यू पे क्लिक किया, क्रिएट पासवर्ड, चलो मैं एक पासवर्ड क्रिएट कर देता हूँ, कोई भी स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड रखिए, कोई 123 या ऐसा कुछ नहीं, अभी ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, अभी स्ट्रांग हो गया, बढ़िया। तो कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, और स्ट्रांग हो जाए तभी अच्छा रहता है। बेसिकली आपको कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और कोई सिंबल और नंबर्स यूज़ करने हैं, तो ऑटोमेटिक ये हो जाएगा। और फिर यूज़र नेम नमस्ते नोड अवेलेबल है, node.js कर देते हैं, अच्छा डॉट नहीं आएगा, नमस्ते नोड जेस, चलो अवेलेबल है, कंटिन्यू करते हैं। वुड यू लाइक टू रिसीव रिसीव प्रोडक्ट अनाउंसमेंट, नो मुझे कोई अनाउंसमेंट नहीं चाहिए, यस यस भी कर सकते हैं लेकिन कोई बात नहीं। चलो प्लीज सॉल्व दिस पजल टू वेरीफाई यू आर ह्यूमन, क्लिक टू स्टार्ट पजल, स्टार्ट पजल, पिक स्पाइरल गैलेक्सी, बहुत हार्ड है तो यही होगा, ये देखो यही है, हो गया, क्रिएट अकाउंट, मेरे ईमेल पे एक वेरिफिकेशन कोड आया है, अभी मैं देख के डालता हूँ। वेरिफिकेशन कोड है 293650 90, हो गया। हाउ मेनी टीम मेंबर्स, जस्ट मी, मैं एक टीचर हूँ या स्टूडेंट हूँ, मैं स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे। फिर ये क्या है, व्हाट स्पेसिफिक फीचर्स आर यू इंटरेस्टेड इन यूजिंग, कुछ भी, मतलब
कोई सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कंटिन्यू कर दो। ठीक, देखो इनका पेड प्लान है लेकिन उसकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जीवन में। ये क्या है, तो बहुत मस्त है, पहली बार मैंने देखा। बहुत पहले कभी क्रिएट किया था तो ऐसा नहीं था, तो ऐसा खुल के नहीं आता था। चलो तो हमारा गिटहब अकाउंट बन चुका है। ठीक, तो अब नेटलीफाई पे हम लोग लॉग इन विथ गिटहब करेंगे। एक बार गिटहब का अकाउंट बन गया तो लॉग इन विथ गिटहब। ठीक, नेटलीफाई पे तो ऑथराइज नेटलीफाई कर दिया। ये लो, नेटलीफाई का अकाउंट लगभग बन गया है। वर्क के लिए, क्लाइंट के लिए, पर्सनल के लिए, स्कूल के लिए, पर्सनल काम के लिए यूज़ करना है। एम फ्रीलांसर, हॉबी डेवलपर, हॉबी डेवलपर हैं। ठीक, माई फर्स्ट प्रोजेक्ट विल बी पर्सनल पोर्टफोलियो साइट, यही रहेगा। और फिर प्रोजेक्ट नेम, योर टीम नेम, तो अपना नाम डाल दो, मैं प्रो कोडर डाल देता हूँ, CODRR। कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, सेटअप एंड कंटिन्यू। अब देखो हम लोग इस स्क्रीन पे आ गए हैं। ठीक, अब यहाँ पे बोल रहा है कि डिप्लॉय योर फर्स्ट प्रोजेक्ट, अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट तुम डिप्लॉय कर सकते हो। ठीक, तो ऐसी स्क्रीन आएगी, या तो अब अभी आप अगर netlify.com खोलेंगे न्यू टैब में, तो देखते हैं क्या स्क्रीन आती है। netlify, NETLIFY .com, तो ये अच्छा फिर से साइन इन के लिए बोल रहा है लेकिन ऑटोमेटिक ही साइन इन हो जाता है। हाँ, तो नॉर्मली ये स्क्रीन आएगी जब भी कभी आप netlify .com खोलेंगे, तो ऐसी स्क्रीन आती है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है तो इसीलिए ये स्क्रीन आ रही है। तो इसको क्लोज कर दो। ठीक, आप इस स्क्रीन पे चले जाओ। ठीक, ये वाली स्क्रीन, netlify .com पे जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक app.netlify.com फिर स्लैश करके जो भी यहाँ पे भी ले जाएगा। फिर यहाँ पे थोड़ा सा डाउन करेंगे तो फिर वही ऑप्शन आ रहा है, और डिप्लॉय मैन्युअली, या फिर मतलब इंपोर्ट एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, कुछ वैसा ही देखेंगे तो कुछ वैसा ही, और डिप्लॉय मैन्युअली, देखो और डिप्लॉय मैन्युअली, और फिर डिप्लॉय योर फर्स्ट प्रोजेक्ट यहाँ पे था, यहाँ पे वो नहीं लिखा है, ये इंपोर्ट एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट ये लिखा है। तो है वही इंटरफेस, थोड़ा सा ये डिफरेंट फॉर्मेट में, और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो चाहो तो यहाँ भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे आना है हम लोग को। ठीक, इस वाले टैब पे, ये जो ड्रैग एंड ड्रॉप योर साइट आउटपुट फोल्डर हियर, तो हमें क्या करना है, ये जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था HTML इंट्रो, ठीक, इस वाले फोल्डर को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है वहाँ पे। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर कर लो, तुम्हारे फाइल एक्सप्लोरर में ये फोल्डर खुल जाएगा, फिर यहाँ पे जा सकते हो, नहीं तो सीधा मैनुअली जा सकते हो। मैनुअली यानी कि डेस्कटॉप पे चले जाओ, और फिर ये यहाँ पे है सीधा, ये फोल्डर हमारा यहाँ पे है, तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। कहाँ पे, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिए, ये लो हम लोग की साइट अपलोड हो रही है, अपलोडिंग। ठीक, थोड़ा सा बस वेट करना है, लगभग हो गया होगा, कुछ इसमें इश्यू है, नहीं तो ये तुरंत यहाँ पे दिखा देता है साइट हैज़ बीन डिप्लॉयड। हल्का सा रिलोड करोगे ऑटोमेटिक तुम्हें लिंक मिल जाएगा एक, ये लो तुम्हारा इंटरनेट पे जा चुका है, हाय। तुम्हारी वेबसाइट इंटरनेट पे जा चुकी है। अब ये वेबसाइट तुम अपने फ़ोन में खोलो या किसी भी फ्रेंड को दो, कहीं भी वर्ल्ड वाइड ये साइट हर एक फ़ोन में खुलेगी, हर एक ब्राउज़र में खुलेगी, यह इंटरनेट पे है। तुमने अपना पहला वेबसाइट बना लिया है। ठीक, तुम चाहो इसको सुंदर बना सकते हो थोड़ा सा, तब भेजो, नहीं तो ऐसे भी भेज सकते हो, दिखा सकते हो। और इसका अभी नाम बहुत अजीब सा है, इसका नाम भी एडिट कर सकते हो। साइट सेटिंग्स पे जाओगे, ठीक, थोड़ा सा नीचे आओगे, चेंज साइट नेम है, यहाँ पे तुम दे दो कुछ भी यूनिक नाम होना चाहिए जो कि ऑलरेडी ना हो, प्रो CODRR, ये तो यूनिक होगा ही, सेव, ये लो, प्रोकोडर डॉट नेटलीफाई डॉट ऐप।
तो तुम ऐसे ट्राई करो, तुम्हारे नाम का तो अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि नाम से सब लोग बना लेते हैं ऑटोमेटिकली, तो कुछ यूनिक सा नाम जैसे इंस्टाग्राम पे यूज़र नेम होता है वैसा कुछ दोगे तो अवेलेबल रहेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे अनुराग दूंगा मेरा नाम, तो ये अवेलेबल है, दिस साइट इज़ ऑलरेडी टेकन। अनुराग सिंह अगर करूँगा तो भी टेकन होगा, किसी ने बनाया होगा। अनुराग सिंह बम करूँगा तो ये तो मेरा ही है, लेकिन ये भी टेकन है क्योंकि मैंने ही बनाया इस पर। ठीक, तो इसको क्या करूँ मैं, अनुराग सिंह बम पोर्टफोलियो, अनुराग सिंह पोर्टफोलियो कर देता हूँ, PORTFOLIO। ये लो, ये अवेलेबल है। तो आपको भी ऐसा ट्राई करना पड़ेगा कौन सा नेम अवेलेबल है। तो ये बन गया अनुराग सिंह पोर्टफोलियो डॉट नेटलीफाई डॉट ऐप, तो ये अब इंटरनेट पे है। आप इसको किसी को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक, किसी भी मोबाइल में भी खोलेंगे तो भी दिखेगा। अभी मैं इसको अपने मोबाइल में खोलता हूँ, ठीक, खोल के दिखाता हूँ अभी। थोड़ा सा मेरी आदत है कैमरा साफ करने की, कैमरा की क्या ज़रूरत है। अनुराग सिंह PORTFOLIO डॉट नटली फाई नेट ली फाई डॉट ऐप, कुछ तो मिस्टेक कर दिया मैंने। अनुराग सिंह पोर्टफोलियो डॉट नेटलीफाई डॉट ऐप। एक काम करता हूँ, मैं इसको अपने व्हाट्सएप पे या ईमेल पे भेजता हूँ। टाइप ही कर लेते हैं यार, अनुराग सिंह पोर्टफोलियो डॉट नेटलीफाई डॉट ऐप, अनुराग सिंह PORTF पोर्टफोलियो है, ये गलत डाल दिया, तो वही मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा पोर्टफोलियो। ये देखो, ये खुल के आ गया, दिख रहा है। एक मिनट मैं देखता हूँ। थोड़ा सा एक्सपोजर मैंने लॉक किया इसीलिए नहीं दिख रहा होगा, इमेज दिख रही, ये देखो। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे हमारी वेबसाइट्स काम करती हैं, कैसे ब्राउज़र हमारा सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, फिर सर्वर कुछ फाइल्स के साथ रिस्पॉन्स करता है, और हमारा जो ब्राउज़र है उन फाइल्स को कैसे दिखाता है। और हम लोगों ने एक छोटी सी वेबसाइट भी क्रिएट करी, ये वाली, जिसमें हम लोगों ने H1 टैग यूज़ किया, P टैग यूज़ किया और इमेज टैग यूज़ किया, थोड़ा सा बेसिक HTML सीखा इन सब का यूज़ करके। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो भी मोस्ट कॉमनली यूज्ड HTML टैग्स हैं वो क्या हैं, उन सभी का यूज़ करके हम लोग एक वेबसाइट बनाएंगे जो कि इससे थोड़ी बड़ी होगी और देखने में भी थोड़ी अच्छी लगेगी और थोड़ी यूज़फुल भी रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में जो भी मैंने आपको पढ़ाया वो समझ आया होगा और आप लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए भी एक्साइटेड होंगे। तो अगर आपका कोई कमेंट या सुझाव है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको कोई डाउट भी है वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या तो मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उनका लिंक दे दूंगा। इस वीडियो में इतना ही, तब तक आप लोग सीखते रहिए और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए एक्साइटिंग सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय।